ओके स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव शीट नंबर 18 मैंने आपको प्रिंट आउट दिया था। हमने फोर्स की कुछ प्रॉब्लम्स की। फोर्स की प्रॉब्लम्स के अंदर हमने फ्री बॉडी डायग्राम, कनेक्टेड मोशन, पुली, ये सब कुछ दिया। मैं कल वैसे ही चेक कर रहा था फोर्स का पेपर मेल्स का, मतलब फोर्स एंड फ्रिक्शन का, और मैं आपको दे भी दूंगा करने के लिए। मूविंग पुली लास्ट टाइम की थी ना यार, वो मेंस का क्वेश्चन आया हुआ 2021 का। मूविंग कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको अब से फोर्स चैप्टर एंड फ्रिक्शन के बाद ना आपको मेंस और नीट के पेपर भी दूंगा लाइव सॉल्व करने के लिए, लेटेस्ट पेपर है, एज एन असाइनमेंट दूंगा मैं आपको। मतलब मैं उसमें से कुछ करवाऊंगा नहीं, वो आप ही ने करना, मैंने कर दिया अभी तो मेरा ही हो गया ना प्रैक्टिस, आप ही ने करना है तो आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। इससे पहले मैं इसलिए दे नहीं रहा था क्योंकि मोशन मैं समझता हूँ थोड़ा मुश्किल है और मोशन के अंदर कैलकुलस बहुत इन्वॉल्व होता है, और स्पेशली जो नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है जब वो प्लस टू का कैलकुलस कर लेता है फिर मोशन उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से मैं मोशन से डिस्ट्रीब्यूट करता नहीं हूँ पुराने पेपर, मैं फोर्स फ्रिक्शन से करता हूँ। तो फोर्स फ्रिक्शन से हम एज एन असाइनमेंट उसको एज होमवर्क किया करेंगे, ठीक है। यूनिट के बाद, यूनिट मतलब फोर्स फ्रिक्शन सर्कुलर, ये एक यूनिट है, इस यूनिट के पूरा एक असाइनमेंट बनेगी। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ फोर्स फोर्स है, फोर्स फ्रिक्शन एंड सर्कुलर में से दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन आना है। तो क्या आया हुआ पिछले दो साल में वो असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, जब कंप्लीट होगा। तो इसमें सब्जेक्टिव शीट नंबर 18 में अब ये प्रॉब्लम कुछ और तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम भी एनसीईआरटी है ऐसा नहीं है, पर वो किसी और टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। और ये कैसी है, स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम कह सकते हो। अ फोर्स एक्ट्स फॉर 10 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, 10 किलो की बॉडी है ये, 10 kg की बॉडी है, फोर्स लगी एफ कितनी देर के लिए, 10 सेकंड के लिए। तो 10 सेकंड के लिए बॉडी ने अपनी वेलोसिटी को क्या किया होगा, इंक्रीज किया होगा, फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, फोर्स सीजेस, उसके बाद फोर्स लगानी बंद हो गई, फ्रिक्शन तो है नहीं। तो अगर इसने वी वेलोसिटी एक्वायर कर ली तो इसकी वेलोसिटी अब वी 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 रहेगी, क्योंकि जितनी इसकी वेलोसिटी एक्वायर कर ली, वी वेलोसिटी एक्वायर कर ली, अब इसकी वेलोसिटी वी 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 ही रहेगी, कोई डाउट इसमें। तो एंड डिस्क्राइब 50 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, तो ये 50 मीटर डिस्टेंस कवर कर गया इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। अब इस इंटरवल में फोर्स लगनी बंद हो गई तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन अप्लाई करते हो मोशन की, s इज इक्वल टू vt। तो यहां पर s आपको 50 मीटर पता है, टाइम आपको कितना पता है, इसमें 5 सेकंड पता है, तो यहां से क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई कितनी, 10। यानी कि जब आपने फोर्स लगानी बंद की थी तो उस टाइम पर यहां पर वेलोसिटी कितनी थी, 10। कोई डाउट इसमें, ठीक है, यहाँ तक। आपको क्या निकालना है इसमें, आपको फोर्स निकालनी है। फोर्स इस इंटरवल में लगी, फोर्स क्या होते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास बॉडी का कितना है, 10 kg। अगर मैं एक्सेलरेशन बता दूं आंसर आ जाएगा, एक्सेलरेशन के लिए ये बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई क्योंकि फोर्स लगनी स्टार्ट हुई थी, बॉडी रेस्ट पे थी और 10 सेकेंड के लिए फोर्स लगी और ये वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 10। तो आप इस इंटरवल में लगा दें वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो फाइनल वेलोसिटी 10, इनिशियल 0, एक्सेलेशन निकालनी और टाइम टेकन कितना, 10। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें, 1। इस ए की वैल्यू को वहां पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, फोर्स की। कोई डाउट इसमें, तो फोर्स की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड एफ इज इक्वल टू एम ए। समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक बार क्वेश्चन पढ़ लें प्लीज, पहले आप एक बार क्वेश्चन पढ़ें, आप खुद सोचें एक बार क्वेश्चन में क्या करना है, फिर हम डिस्कस करेंगे। अब मन में सोचें क्या डायग्राम मैंने बनाया हुआ है इसमें, और एक बार देखें कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अ कॉन्स्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg, 20 किलो की बॉडी है और ये इसके ऊपर एक्सेलरेटिंग फोर्स नहीं है। एक्सेलरेटिंग फोर्स बॉडी की स्पीड को बढ़ाती है, रिटार्डिंग फोर्स इसको रोकती है। तो यानी कि रिटार्डिंग फोर्स का मतलब अच्छी भली बॉडी यहाँ मूव कर रही थी, पर रिटार्डिंग फोर्स क्या एक्ट करेगी, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बॉडी यहाँ मूव कर रही होगी और हमने इसको रिटार्डिंग फोर्स लगाई तो मैंने डायरेक्शन ऑपोजिट लगाई ताकि ये रुके। और मूविंग इनिशियली विद अ स्पीड ऑफ 15, तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 15। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक्स टू स्टॉप, तो बॉडी रुक गई, रुकने का मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0।
और कोई फोर्स तो है नहीं, मतलब किसी ने उठा के फेंक दिया होगा बॉडी को, सिंपल है, इसका मतलब तो यही है। तो अब कोई फोर्स लग नहीं रही थी इस पर, सिर्फ रोकने की फोर्स लग रही है, चलाने की कोई फोर्स नहीं है। तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलेरेशन की रिटार्डेशन, रिटार्डेशन एक्सेलेरेशन क्यों होगी, वेलोसिटी बढ़ थोड़ा रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलेरेशन में, रिटार्डिंग फोर्स कितनी है माइनस, रिटार्डिंग का मतलब माइनस 50, माइनस साइन का मतलब रिटार्डिंग फोर्स है, प्लस साइन का मतलब एक्सेलरेटिंग फोर्स है। क्योंकि अगर ये फोर्स पॉजिटिव होगी एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगी, अगर ये नेगेटिव होगी एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगी ऑब्वियसली, तो फोर्स अपॉन मास करके एक्सेलेरेशन आ गई माइनस 2.5, तो रिटार्डेशन कितनी आ गई माइनस 2.5, तो रिटार्डेशन माइनस 2.5, तो इसमें आप लगा लो वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, वी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी 15 है, रिटार्डेशन आपको पता है कितनी माइनस 2.5, सॉल्व करके क्या आ गई, टाइम की वैल्यू आ गई, तो ये 6 सेकेंड में बॉडी रुकेगी। आपको ऐसा फील तो नहीं आ रहा कि काइनेमेटिक्स जैसी फीलिंग आ रही है, कुछ कुछ मोशन मोशन आ रहा है, आ रहा है, तभी मैंने एग्जांपल से स्टार्ट ही नहीं किया चैप्टर, नहीं तो आप सोचेंगे कि पता नहीं मोशन ही स्टार्ट होगा। वैसे ये 10 क्वेश्चन ही हैं टोटल ऐसे, बाकी सब वैसे ही हैं जैसे हम लास्ट टाइम कर रहे थे, सिर्फ 10 क्वेश्चन ही हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा बीच का लेक्चर रखा ये, ताकि आपको ऐसा लगे कि पता नहीं मोशन जैसे ही चैप्टर है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, ये एक्चुअली जब कोई बुक स्टार्ट करती है ना फोर्स, तो वो कनेक्टेड मोशन स्टार्ट नहीं करती, वो स्टार्ट करती है फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, और जब वो एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए लगाती है ना, तो फिर ये प्रॉब्लम से स्टार्ट करती है कि बच्चों को लगाना आ जाए कि एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन में क्या डिफरेंस है, तो उसके बाद कनेक्टेड मोशन स्टार्ट होता है। पर मैंने उल्टा किया, मैंने कनेक्टेड मोशन पहले करवा दिया, और ये वाला लेक्चर जो पहला लेक्चर होना चाहिए था मैंने बाद में किया। समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्योंकि ये लेक्चर बेसिक है, कोई ऐसा नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ें, आप खुद सोचें कैसे करना है इसे। तो कितने लोगों ने फोर्स प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है, कर दिया बुक्स में से कर दिया है, हो रहा है सॉल्व, अब फ्लो बन रहा है, मतलब वेक्टर और मोशन से बेटर है, वेक्टर मोशन से कुछ पेन चलना स्टार्ट हुआ, चलेगा अभी और चलेगा, अब देखते जाओ 3-4-5 महीने के बाद एकदम स्मूथ चलेगा, अब और देखते जाओ। प्लस टू के अंदर तो शायद डाउट भी इक्का दुक्का ही होंगे आपके, इतना ज़्यादा बच्चा गेन कर लेता है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि लोगों को किताब देख के समझ में आ जाता है कि इसको करना कैसे है। लेकिन उनके लिए जो खूब प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए नहीं कि जो करते कुछ नहीं है, वो वहीं खड़े हैं, मतलब ये ना सोचें कि जादू होगा, जादू कोई नहीं होगा, आपकी मेहनत ही है जो आपको आगे लेके जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो चेक करो इसमें। नेक्स्ट, ऑनलाइन वालों को आवाज़ आ रही है? ओके, हाँ जी, तो इसमें कॉन्स्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास 3 kg की बॉडी है, चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 m/s टू 3.5 m/s। तो इसकी स्पीड 2 से कितनी होगी, 3.5, तो स्पीड बढ़ी कि कम हुई, बढ़ी, तो एक्सेलेरेशन की रिटार्डेशन, एक्सेलेरेशन। डायरेक्शन ऑफ द बॉडी रिमेंस अनचेंज, सीधी चलती जा रही है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ऑब्वियसली अगर स्पीड बढ़ रही है तो फोर्स कहाँ लगी होगी, इसी तरफ, तभी स्पीड बढ़ी। अगर स्पीड स्लो हो रही होती तो बॉडी अगर यहाँ मूव कर रही है तो हमारी फोर्स इसके ऑपोजिट होती। क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल पता है, टाइम पता है, क्या आ गई, एक्सेलेरेशन, और फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलेरेशन, तो फोर्स की वैल्यू आ गई, और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है, कोई डाउट इसमें? इस क्वेश्चन को पढ़ें प्लीज, वेक्टर का क्वेश्चन है वैसे तो, कहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्शन किधर, फोर्थ, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड नहीं डायरेक्शन है, एक्सेलेरेशन डायरेक्शन करो, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन। स्कूल्स के एडमिशन तो अभी 19th के बाद पता लगेगा, कितने लोगों ने अप्लाई किया है, बहुत चलता है, बहुत चलता, 50% है, बाकी सबने स्कूल ज्वाइन कर लिया प्राइवेट, हाथ खड़ा करना कितने हैं, ओ तो स्कूल ज्वाइन ही करे बैठे हैं, सही है। तो आपके स्कूल में लेंथ टाइम मेजरमेंट करवाया, पैरलेक्स मेथड, किसको नहीं कराया, पैरलेक्स मेथड करवाया ना, बस फोर्स के बाद हम वही करेंगे, क्योंकि मॉडल स्कूल वालों को जाते ही ये चैप्टर करवाना है। ओ डेट शीट भी आ गई, अभी तो यार इन्होंने ये तो अभी एंटर भी नहीं किए, कब से मिड में, क्या सिलेबस है, ओ फिर तो क्या टेंशन है, एक पेपर ही लेना है 3 घंटे वाला, 1.5 घंटे वाला, वो ले लेंगे,
इनका भी लेना है वो तो हमने फुल कोर्स, तो फुल कोर्स तो सितंबर में ले ही लेंगे ताकि एक बार रिवीजन करके एक बार प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। एक बार चुभता बहुत है फुल कोर्स, जब टेस्ट होता है ना तो बड़ा पेनफुल है, सारा करना पड़ता है ना, फिर उसके बाद ठीक हो जाता है। मेरे को पता है ना फुल कोर्स में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है लोगों को, टाइम चाहिए होता है उसमें, बट फिर पेपर अच्छे हो जाते हैं। लेकिन स्कूल द्वारा के ना एक बार दे दो वहाँ, फिर टाइम नहीं लगता, नहीं तो वो पेनफुल हो जाएगा स्कूल का पेपर। देखो, बॉडी जिसका मास 5 kg है इज एक्टेड अपॉन 2 forces, 8 और 6 परपेंडिकुलर, तो ये रहा 6 और ये रहा 8, उल्टा भी कर सकते हो 8 और 6। तो पैरेलोग्राम लॉ से नेट फोर्स क्या होगी, इनका वेक्टर सम अंडर रूट ऑफ 6 square 8 square क्या होगा 10। तो एक्सेलेरेशन क्या होगी, नेट फोर्स अपॉन मास, तो एक्सेलेरेशन कितनी आ गई 2। और डायरेक्शन निकालने के लिए जहां नेट फोर्स है वहीं एक्सेलेरेशन है, तो कॉस थीटा इसमें क्या बनेगा 6/10, कॉस थीटा 6/10, तो कॉस थीटा 6/10, तो थीटा इज कॉस इनवर्स 0.6 आंसर। तो वेक्टर की प्रॉब्लम है, फोर्स की तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, इस क्वेश्चन को देखें प्लीज। हाँ लगा सकते हैं, चलेगा, टैन में लगा दो, टैन में निकाल दो, कॉस में निकाल दो, साइन में निकाल दो, जिसमें मर्जी निकाल दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बॉडी ऑफ मास 0.25 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ कितनी 12, स्टॉप्ड रुकेगी, अब ये फोर्स ऑफ 0.6, तो 0.6 क्या है रिटार्डिंग फोर्स, रोकने की फोर्स रिटार्डिंग फोर्स है ऑपोजिट, तो रुकने का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। रिटार्डेशन को मास से डिवाइड करेंगे, रिटार्डेशन मतलब फोर्स है माइनस लेंगे, मास से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी रिटार्डेशन। क्लियर है यहाँ तक, रिटार्डेशन समझ में आ रही है। और फिर वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 12, एक्सेलेरेशन माइनस 2.4 और टाइम, टाइम कैन बी कैलकुलेटेड, टाइम आ गया, इतनी देर में रुकेगी। अपने क्या निकालना है इंपल्स, इंपल्स क्या होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स तो रिटार्डिंग है तो माइनस 0.6 और टाइम कितना है 5, तो इंपल्स नेगेटिव है। नेगेटिव इंपल्स का मतलब होता है रिटार्डिंग फोर्स के साथ कैलकुलेशन है, यानी कि बॉडी रुक रही है। और अगर इंपल्स पॉजिटिव है तो फोर्स पॉजिटिव है, इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, तो इंपल्स नेगेटिव आ सकता है। नेगेटिव इंपल्स का मतलब बॉडी रुक रही है, पॉजिटिव इंपल्स का मतलब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। क्लियर है यहां तक, नेक्स्ट ये मैं गूगल ड्राइव पे डालूंगा फॉर रेफरेंस, आप एक बार इस क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन समझें। देख लिया, ट्राई किया वैसे शीट आपने, ये खुद ट्राई की हुई है। हैमर वेइंग 1 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 स्ट्राइक्स द हेड ऑफ द नेल ड्राइविंग इट 10 cm इन द वॉल। नेल है, नेल है, ये हैमर है, हैमर ने नेल को हिट किया विद द वेलोसिटी ऑफ 10, नेल साथ में चल पड़ी, तो नेल की वेलोसिटी भी कितनी 10, जो हैमर की वेलोसिटी है वही नेल की वेलोसिटी, तो नेल की वेलोसिटी 10, नेल रुक गई अंदर जाके दीवार में, तो फाइनल वेलोसिटी नेल की क्या 0। हैमर का कोई चक्कर नहीं, हैमर ने वेलोसिटी इंपार्ट की है नेल को, तो नेल की वेलोसिटी पता है, इनिशियल फाइनल पता है, और कितना नीचे जाके रुका 10 cm का मतलब 0.1 meter। क्या निकालना है इसमें एक्सेलरेशन, तो काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम है, वी पता है, यू पता है, एस पता है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 10, एस कितना 0.1, तो सॉल्व करके क्या आ गया एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन होगी, क्यों, क्योंकि नेल रुक रही है, रुकने का मतलब रिटार्डेशन है। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, तो यहाँ पर रिटार्डेशन है तो माइनस 500। सेकेंड पार्ट क्या है, टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द इंपैक्ट, कितनी देर के लिए नेल चली, उतनी देर के लिए हैमर चला, जब तक हैमर लगा हुआ है तब तक नेल चल रही है, हैमर रुक गया नेल भी रुक गई, तो इंपैक्ट कितनी देर का है, टाइम निकालना है, तो कितनी देर में बॉडी रुकी, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो अप्लाई करो वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी क्या 0, इनिशियल कितनी 10, रिटार्डेशन कितनी माइनस 500, किसकी वैल्यू आ गई टाइम की, तो इतनी देर के लिए नेल चली, उतनी देर के लिए हैमर चला, फिर क्या निकालना है इंपल्स, इंपल्स क्या होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलेरेशन, तो मास किसका लेना है इसमें, इसमें हैमर का, क्योंकि इंपल्स कौन दे रहा है हैमर, नेल को तो मिल रहा है, दे कौन रहा है हैमर, तो हैमर
कि जो एक्सेलेरेशन है वो नेल की एक्सेलेरेशन के इक्वल है, क्योंकि हैमर और नेल तो इकट्ठे चल रहे हैं, तो हमने नेल की रिटार्डेशन निकाल रखी है, हैमर की भी एग्जैक्टली सेम है। तो मास ऑफ हैमर इंटू रिटार्डेशन इंटू टाइम नेगेटिव, इसलिए क्योंकि नेल रुक रही है, रिटार्डेशन है तो नेगेटिव इम्पल्स है, अगर एक्सेलेरेशन होती तो पॉजिटिव इम्पल्स है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? आसान क्वेश्चन है। दूसरे वाला पार्ट टाइम निकालना है ना नेल का, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है, नेल के लिए था। नेल कितनी देर, नेल और हैमर एक ही बात है, नेल अगर मान लो 0.02 सेकंड के लिए अंदर गई तो हैमर भी 0.02 सेकंड के लिए अंदर गया, हैमर नहीं नेल को चलाया है, नेल अपने आप नहीं अंदर चलती बार में, एक ही बात है हैमर के। हाँ लिया ना मास, लिया हैमर का हमने, ये देखो जो मास लिया हैमर का लिया हमने, इम्पल्स, इम्पल्स के अंदर फर्क पड़ेगा ना, रिटार्डेशन में पड़ेगा उसमें तो मास चाहिए नहीं होता, ना टाइम में पड़ेगा मास नहीं चाहिए होता, इम्पल्स में पड़ेगा। जितना बड़ा हैमर होगा उतना ही ज़्यादा इम्पल्स भी होगा, फोर्स ज़्यादा लगाएगा क्योंकि। नेक्स्ट कॉन्स्टेंट रिटार्डिंग फोर्स 50 न्यूटन इज अप्लाइड, रिटार्डिंग फोर्स है भाई, रिटार्डिंग फोर्स नेगेटिव होती है, -50 न्यूटन, बॉडी का मास गिवन है 20, डिवाइड करके क्या आ गई रिटार्डेशन। मूविंग इनिशियली विद द स्पीड ऑफ 15, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 15, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, कितनी देर में बॉडी रुकेगी, तो अप्लाई करें v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है जीरो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 15, रिटार्डेशन क्या है -2.5, टाइम टी, टाइम आ गया, तो मोशन कुछ नहीं है, मोशन ही चल रहा है, छोटे वाला मोशन चल रहा है, बड़ा नहीं है, छोटा छोटा, v इज यू प्लस ए टी, तो फोर्स कहाँ चल रही है, बस रिटार्डेशन निकालने के लिए फोर्स काम आ रही है बस, ठीक है। नेक्स्ट तो क्या क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ 0.04 न्यूटन एक्ट्स अपॉन अ बॉडी, तो फोर्स 0.04 न्यूटन एक्ट्स अपॉन द बॉडी, एज अ रिजल्ट स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम 0.30 से 0.10, स्लो हो गई, इसका मतलब फोर्स क्या है रिटार्डेशन है, समझ में आ रहा है फोर्स रिटार्डेशन है। तो क्या निकालना है, फाइंड डिस्टेंस, तो वी पता है यू पता है, फोर्स रिटार्डेशन है नेगेटिव में है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन से रिटार्डेशन आ गई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s लगा के v पता है u पता है रिटार्डेशन पता है s कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। तो मेन बात देखो एक ही चीज़ पूरे क्वेश्चन में, टेक्निक ही एक है, एक्सेलेरेशन है या रिटार्डेशन है, एक्सेलेटिंग फोर्स है या रिटार्डिंग फोर्स है, खत्म। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट कार जिसका मास 1000 kg है, मास गिवन है, वेलोसिटी कितनी है 10 है, इज एक्टेड अपॉन अ फॉरवर्ड फोर्स, आगे बढ़ाने की फोर्स कितनी है 1000, एंड रिटार्डिंग फोर्स कितनी है 500, इकट्ठी लग रही हैं, आगे चलाने की फोर्स भी लग रही है और रोकने की फोर्स इकट्ठी लग रही हैं, पर क्योंकि आगे चलाने की फोर्स बड़ी है तो बॉडी अल्टीमेटली आगे मूव करेगी, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या होगी, बड़ी में से छोटी फोर्स इज नेट फोर्स, क्योंकि न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलेरेशन, वो ये नहीं कहता फोर्स इज मास इनटू एक्सेलेरेशन, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलेरेशन, नेट फोर्स क्या होता है, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स, तो ये आ गई 500, मास से डिवाइड किया तो एक्सेलेरेशन आ गई, क्लियर है, तो एक्सेलेरेशन आ गई। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, तो इनिशियल वेलोसिटी 10 है, टाइम 10 है, v इज इक्वल टू u प्लस at में u पता है, एक्सेलेरेशन पता है, टाइम पता है, v कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। इसमें यही मेन कॉन्सेप्ट था कि नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलेरेशन, सही है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन लास्ट टाइम किया था हमने, चेक करो,
स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 15. तो पानी पाइप में से निकल रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 15. क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, किया था ना, याद आ रहा है? मैंने कहा था कि वो न्यूमेरिकल के साथ नहीं है, ये न्यूमेरिकल के साथ है. सामने दीवार है, दीवार पे फोर्स निकालनी है. तो मैंने क्या बताया था ऐसे क्वेश्चन में, एफ इज डीपी बाई डी टी, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी बाहर आ गई तो क्या बचा, डीएम बाई डी टी. पानी और गैस के क्वेश्चन में मास हमेशा चेंज होता है, वेलोसिटी हमेशा कॉन्स्टेंट होती है. तो वेलोसिटी मास क्या है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, टाइम की जगह टाइम, वॉल्यूम पर सेकेंड निकालने का एक शॉर्टकट कराया था, एरिया इंटू वेलोसिटी, बताया था ना, और मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाला था मैंने, याद करो अपनी हैंड रिटन शीट में, ये आंसर था. तो आपको इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, वेलोसिटी पता है और डेंसिटी पता है. पानी की डेंसिटी 1000 होती है, याद रखना, ऐसा सिस्टम में 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है. गिवन है तो अच्छी बात, नहीं गिवन तो याद कर लो 1000, मल्टीप्लाई करके आंसर सही है. बैलून वाला क्वेश्चन करवाया था, गैस निकल रही है, याद है, बैलून ऊपर जाता है जब गैस निकलती है. बैलून का मास कितना है, 10 ग्राम इन एयर. एयर एस्केप फ्रॉम द बैलून, एयर हवा बाहर निकल रही है एट अ यूनिफॉर्म रेट विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 cm/s. तो आपको इसमें क्या गिवन है, इसकी वेलोसिटी पता है गैस निकलने की, और पूरा बैलून की हवा निकल जाती है कितनी देर में, 2.5 सेकेंड में. क्या निकालना है, एवरेज फोर्स. तो वैसे मैंने गलत लगा दिया, एवरेज फोर्स में डेल्टा पी बाई डेल्टा टी आना था, डी पी बाई डी टी नहीं आना. चलो कोई बात नहीं, डी पी बाई डी टी मास इंटू वेलोसिटी. बैलून वाले क्वेश्चन के अंदर भी क्या कराया था, वेलोसिटी गैस की कांस्टेंट है और गैस का मास क्या हो रहा है, चेंज कराया था ना. तो वेलोसिटी आपको गैस की पता है और मास पता है पूरे एयर का कितना है उसमें, और टाइम पता है. आंसर पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, ये सेम रिपीट है क्वेश्चन जो हमने बैलून वाला और पानी वाला किया था. तभी टेस्ट जरूरी है ना, टेस्ट होता तो आज सब कुछ याद होता. चलो कोई बात नहीं, अगली बार सही. अब ये भी सुन लो, बैलून में से हवा निकलती है, पाइप में से पानी निकलता है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, मास चेंज होता है. लास्ट एक और प्रॉब्लम भी ऐड कर लो इसमें, जब गन में से गोलियां निकलती हैं, स्टेन AK-47 चला रहा है, फटाफट गोलियां निकली जा रही हैं, तो गोली की स्पीड कांस्टेंट है, गन का मास क्या होता जा रहा है, कम. गोलियां निकलेंगी तो मास ही कम होगा, जैसे बैलून में से हवा निकलने से मास कम होता है, पाइप में से पानी निकलने से मास कम होता है, ऐसी गोलियां निकलने से, बुलेट निकलने से मास कम होता है. सेम प्रॉब्लम, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है. मशीन गन है, मास 10 किलो की मशीन गन है आपके पास, इट फायर्स 30 ग्राम बुलेट एट अ रेट ऑफ 6 bullets/s. तो 30 ग्राम की एक बुलेट है और एक सेकंड में 6 गोलियां चलती हैं विद अ स्पीड ऑफ 400 m/s से चलती है. वॉट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू गन टू कीप इट इन पोजिशन. अभी गोली आगे चलती है ना, तो गन पीछे आती है, पर मैं चाहता हूँ गन वहीं रहे, तो मेरे को क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स. फोर्स कैसे लगानी पड़ेगी, जितनी फोर्स गोलियाँ जब चलती हैं, बुलेट्स चलती हैं, वो गन पे लगाती है, उतनी फोर्स मेरे को अपने हाथ से लगानी है ताकि गन पीछे ना आए, क्योंकि जब गोलियाँ आगे चलती हैं गन पीछे आती है. सुना होगा आपने M1V1 M2V2 कुछ ऐसा, जब गोली आगे चलती है तो गन पीछे आएगी, पर मेरे को पीछे नहीं आने देना, तो मेरे को गन को पकड़ के रखना है, तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स. तो एक काम करते हैं, बुलेट्स ने कितनी फोर्स लगाई वो कैलकुलेट कर लेते हैं, वही मेरी फोर्स है. तो बुलेट की फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फोर्स होता है क्या, डी पी बाई डी टी. पी क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. तो क्या बताया था, पानी वाले क्वेश्चन, पाइप में से पानी निकलता है, बैलून में से एयर निकलती है, या गन में से बुलेट्स निकलती हैं, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहती है, मास क्या होता है, चेंज. ये मास निकलता जा रहा है, मास फ्लोइंग पर सेकेंड निकलता जा रहा है, मास कितना निकल रहा है, अब वेलोसिटी कितनी है गोली की, बुलेट की 400. मास कितना है एक बुलेट का, 30 ग्राम. 30 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर लिया तो क्या आ गया, केजी. कितनी गोलियां चली, 6 चली. तो टोटल मास कितना निकला, एक बुलेट का मास इनटू 6, और कितनी देर में 6 गोलियां चली, पर सेकेंड. तो टाइम की जगह क्या पुट करेंगे, 1. तो मास की जगह, वेलोसिटी की जगह 400, मास की जगह 30 ग्राम को 6 से मल्टीप्लाई किया, 180 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लिया, मास आ गया बुलेट्स का, और ये 6 गोलियां कितनी देर में चलती हैं, टाइम कितना, 1. आंसर. ये तो पानी वाला ही क्वेश्चन है, जैसे पानी और गैस निकलती है, सेम ही तो है. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस प्रॉब्लम को करना है, कोई डाउट इसमें. अच्छा, अगर मैं अपने हाथ से बुलेट गन को ना पकड़ूं, गन कहाँ जाएगी, पीछे. अगर मैं अपने हाथ से गन को ना, गन तो पीछे ही जाएगी,
बोलो गन की पीछे आने की एक्सलेशन क्या है? नहीं पकड़ता इसे, छोड़ दो। गन कितनी क्या करूं? 772 को किससे डिवाइड करूं? किससे? 10 से, क्योंकि कौन पीछे जाएगा? गन। तो गन की एक्सलेशन निकालनी है तो मास किसका? गन का। फोर्स हमें पता है 72 जो गन पे लगी, और मास कितना है गन का? 7.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर पूछा जाए तो। पर इसमें तो मूवमेंट है ही नहीं, सिर्फ फोर्स तक काम खत्म। गोलियां निकल गई ना तो मास तो 10 किलो रह गया, बुलेट तो निकल गई अब तो बस मास ही 10 किलो रह गया, खाली गन पीछे आएगी। ठीक है यहाँ तक तो ये एक असाइनमेंट अपनी और खाते में ऐड कर लेना, ये भी हो गई हमसे। ठीक है, जल्दी हो गई वैसे। ठीक है, होमवर्क करके लाया हूँ ना, अभी भी करके लाया हूँ इसलिए, नहीं तो फिर यहीं करता तो डेढ़ घंटा इसी में लग जाता हमारा करने में। तो हम कुछ और करते हैं इसकी जगह, और फिर होमवर्क दूंगा आपको कुछ करने के लिए, कुछ अलग दूंगा होमवर्क, कनेक्टेड मोशन में काम दूंगा। ऑनलाइन वालों को सुनाई दे रहा है ना सारा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है? जाते हुए ठीक है। ओके, ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम इम्पॉर्टेंट मैंने बता दिया था, आएगी आएगी। ये नहीं आएगा तो ये तो गारंटेड आएगा, गारंटेड दोनों में से एक तो आना ही आना है, आना ही आना है। टू शो दैट न्यूटन सेकेंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन, असली लॉ तो न्यूटन सेकेंड लॉ है, बाकी तो चलो बीच में है ही है। तो असली लॉ क्या होता है? रियल लॉ, यूनिवर्सल लॉ, असली लॉ, जो मर्जी बोलते रहो, सबसे बड़ा न्यूटन का सेकेंड लॉ है। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ अगर आपको प्रूव करना है कि रियल लॉ असली लॉ है, तो कितने लॉज हैं न्यूटन के? 3। तो मैं इसको रियल लॉ तब ये माना जाएगा जब अच्छा, तो असली लॉ तब माना जाएगा जब न्यूटन का फर्स्ट लॉ मैं सेकेंड लॉ से प्रूव कर दूंगा। मैं सेकेंड लॉ से न्यूटन का फर्स्ट लॉ निकाल दूंगा, उसकी सेकेंड लॉ के अंदर न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी पड़ा हुआ है, और मैं सेकेंड लॉ से थर्ड लॉ भी निकाल दूंगा। तो अगर मैं न्यूटन के सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ निकाल दूं, न्यूटन के सेकंड लॉ से थर्ड लॉ भी निकाल दूं, तो आपको मानना पड़ेगा यार सेकंड लॉ के अंदर फर्स्ट लॉ भी पड़ा हुआ है और थर्ड भी पड़ा हुआ है, इसका मतलब वो रियल लॉ है, राइट? तो दो बार करेंगे इसे, दो केस बना के करेंगे। पहला, फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे जो पहला लॉ है वो सेकेंड लॉ में कंटेन्ड है। कैसे? सेकेंड लॉ क्या कहता है? नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स क्या हो? 0, तो उसकी एक्सेलरेशन भी क्या आएगी? 0। अगर नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन भी 0, मास तो 0 हो नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 के दो मतलब होते हैं, वो क्या? एक्सेलरेशन 0 तब है जब बॉडी किस पे पड़ी हुई है? रेस्ट पे, या बॉडी इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। जब वी चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली क्या होगा? 0। तो इसका मतलब कि अगर एक्सेलेरेशन 0 है तो बॉडी इज आइदर एट रेस्ट और इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, तो आइदर द बॉडी इज एट रेस्ट और इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कोई डाउट इसमें? तो या तो बॉडी रेस्ट पे है या मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। यही तो है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे पड़ी हुई है तो रेस्ट पे पड़ी रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करती रहेगी जब तक उसके ऊपर क्या लगेगी? फोर्स। जब फोर्स नहीं लगेगी तो या तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी या कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव करेगी। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट केस नंबर 2। थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ। तो अब क्या प्रूव करना है मुझे? थर्ड लॉ जो है वो सेकंड लॉ में पड़ा हुआ है। तो फर्स्ट लॉ तो हो गया प्रूफ, थर्ड लॉ प्रूफ करने के लिए ना आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी, और क्या? आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है
जब नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर जीरो होती है उसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, जैसे सपोज करो आपके पास दो बॉल्स हैं, दो बॉल्स को आपने हाथ में पकड़ा, आप लेके आए, हिट किया, अपनी मर्जी से उठा के फेंक दिया, मर्जी से लेके आए, मेरी मर्जी, वेलोसिटी जो मर्जी दूँ, मेरी मर्जी एक को जेब में डाल लूँ एक को वहाँ फेंक दूँ, मेरी मर्जी, मैं नहीं फेंकता, हाथ में पकड़ कर देता हूँ। अब आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो मैं क्या करूँगा? ऐसे केस में नहीं कर सकते, मेरी मर्जी है, क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। अब मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, आपने दो बॉल ली, आपने किसी वेलोसिटी को फेंक दिया, बस छोड़ दिया, अब आपने फोर्स लगानी क्या कर दी, बंद, एक बार वेलोसिटी देके फेंक दिया, अब वो ऑटोमेटिकली आ रही है, नेचुरली आ रही है, नेचुरली उनकी टक्कर होगी और नेचुरली वो सेपरेट हो जाएंगी। अब इसमें आपकी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, वो अपने आप ही आ रही है, अपने आप उनकी टक्कर हो रही है, अपने आप वो सेपरेट हो रही है जहां वो नेचुरली होंगी। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या एक्ट करेगी, जीरो, भैया एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। चलो और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक गन है, एक बुलेट है, आपने गोली चलाई, गन कहाँ आएगी, पीछे, ऐसे होता है ना, आप नेचुरली गोली चलाते हो तो एनर्जी भरी होती है गन में, वो उसको बाहर फेंकती है और रिएक्शन फोर्स से गन पीछे आती है, नेचुरल फिनोमेना है, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। अच्छा चलो गोली चलाते हैं, ये मैंने ट्रिगर दबाया, उसमें से गोली निकाल ली, अपने हाथ से निकाल रहा हूँ मैं, मेरी मर्जी मैं नहीं चलाता, मेरी मर्जी मैं यहाँ फेंक देता हूँ, मेरी मर्जी मैं ऐसे फेंक देता हूँ, मेरी मर्जी मैं यहाँ फेंक देता हूँ, और मेरी मर्जी मैं गन को नहीं पीछे आने देता, गन को यहाँ फेंक देता हूँ। देखो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम ही है। नेचुरल सोचो कि आपने गोली चलाई, एक्शन, आपने गोली चलाने में कुछ भी नहीं किया यार, एनर्जी स्टोर थी वो निकल गई, आपने तो जाके गोली को नहीं फेंका ना, बुलेट को नहीं फेंका, तो बाय रिएक्शन गन अपने आप ही पीछे आएगी, नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। तो ये क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे सपोज करो एक बोट है, आप जब बोट पे आगे चलते हो ना तो बोट पीछे आती है, एक्शन रिएक्शन, ये नेचुरल फिनोमेना है, आइसोलेटेड सिस्टम है कि एक एक्शन लगाता है, बदले में क्या मिलता है बोट को, रिएक्शन। अच्छा अगर ऐसे करें, मैं आगे गया, कोई बंदा बोट लेक में साइड पे खड़ा था, उसने उठा के बोट को आगे फेंक दिया या उसने मर्जी साइड पे फेंक दिया, देखो ये एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये नेचुरल फिनोमेना नहीं है, तो इस केस में दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड सिस्टम। पर हाँ बाय नेचर जब मैं आगे चलता हूँ बोट उसी रिएक्शन से पीछे आती है, इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। जितने मर्जी एग्जाम्पल ले लो, तो जब आपकी इंटरफेरेंस होगी, जब आप फोर्स लगाएंगे और आप प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या होगा, वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। आइसोलेटेड वो है जब एक एक्शन होगा उसके बदले में अपने आप ही बाय नेचर रिएक्शन होगा और आपकी एक्सटर्नल फोर्स क्या रहेगी इस सिस्टम पे, जीरो, या एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होते हैं जिसमें एक्सटर्नल फोर्स किसी भी सिस्टम पे क्या होती है, जीरो। अब जितने भी आइसोलेटेड सिस्टम मैंने एग्जांपल लिया उसमें एक चीज कॉमन है। सबसे पहला एग्जांपल लेता हूँ बुलेट वाला, है ना, बुलेट वाला, बुलेट आगे जाती है गन पीछे आती है, आपने सुना होगा एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट ऐसे होता है। तो एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट का मतलब क्या है इसको समझते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम का एक का मतलब क्या है और इससे क्या चीज़ निकलेगी इसको समझते हैं। ये देखो, तो अगर मैं बात करता हूँ आइसोलेटेड सिस्टम की, तो पहली कंडीशन आइसोलेटेड सिस्टम की क्या है, नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो। एक बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स है वो क्या एक्ट करेगी, जीरो। कोई डाउट इसमें, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, राइट। ये समझ में आ रहा है, हमने कोई फोर्स नहीं लगानी, अपने आप जो होना है अपने आप ही होना है। और फोर्स होती क्या है, फोर्स होती है डीपी बाय डीटी, फोर्स न्यूटन के लॉ से क्या है, डीपी बाय डीटी। तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या आएगी, जीरो। और अगर ये जीरो है, जीरो इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, तो ये जो मोमेंटम आएगा पी मोमेंटम, ये क्या आएगा, कांस्टेंट। ऑब्वियसली मोमेंटम क्या आएगा, कांस्टेंट, या फिर मोमेंटम क्या रहेगा सिस्टम का, जीरो। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो आइसोलेटेड सिस्टम की दो खास बातें हैं, पहली
आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगी, जीरो। अपने आप कोलिजन हो रही है, टक्कर हो रही है बॉल्स की, अपने आप सेपरेशन हो रही है, हम नहीं करेंगे अपनी मर्जी से, तो आइसोलेटेड सिस्टम है। तो नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, और इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, जीरो। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी, जीरो। आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। दो चीजें कंडीशन याद रहेंगी, कोई डाउट इसमें? अच्छा, इसको और मतलब समझाता हूं, मैथमेटिकली समझाता हूं कि आप ये चीज करके आए हो, आपको किसी ने बताई नहीं, बात अलग है क्योंकि वो छोटी क्लास में बताता नहीं है, लेकिन आपको एक चीज पता है, मैं करके दिखाता हूं। देखो, ये मान लो आपके पास गन है और ये इसके अंदर क्या पड़ी हुई है, बुलेट, दोनों रेस्ट पे हैं। तो गोली चलने से पहले इस गन का मोमेंटम क्या है, जीरो, चल ही नहीं रहा। बुलेट का मोमेंटम क्या है, जीरो, कोई डाउट इसमें? सही है, सही बोल रहा हूं? अच्छा, गोली चल पड़ी, गोली चल पड़ी, बुलेट चल पड़ी, m1 मास है विद द वेलोसिटी ऑफ v1, तो गन का मास m2 कहां जाएगा, पीछे विद द वेलोसिटी ऑफ v2। लेकिन क्योंकि गोली चलना इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, हमने जाके तो गोली को फेंका नहीं, अपने आप ही चली, अपने आप गन पीछे आ रही, इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे को कैसे पता लगा आइसोलेटेड है यार, हमें तो दिखता नहीं आइसोलेटेड है। हाँ, मैंने बोला, आपने कहा हाँ यार, सर ने बोला आइसोलेटेड है, तो एक्चुअल में ऐसे ही पता लगेगा कौन कौन से सिस्टम आइसोलेटेड हैं। इसकी मैं लिस्ट आपको अभी दूंगा थोड़ी देर में कि ये सिस्टम आइसोलेटेड होते हैं, क्योंकि आप अभी इतनी अर्ली, आप ना, अगर मैं कोई नया सिस्टम दूंगा आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे आइसोलेटेड है कि नहीं, ये थोड़ा मुश्किल काम है। पर हाँ, आप याद तो कर पाएंगे, बॉल्स का टक्कर होना एक आइसोलेटेड सिस्टम है, नेचुरल बॉल का कोलिजन होना, सेपरेट होना, आइसोलेटेड सिस्टम है। गोली चलना, बुलेट चलना, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। बस दो सिस्टम याद रखो, और कौन कौन से हैं बताऊंगा अभी। तो ये अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो गोली चलने से पहले नेट मोमेंटम क्या है, जीरो। पर आइसोलेटेड सिस्टम की कंडीशन क्या थी कि उसका मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट। ये कंडीशन है ना। तो एक बात बताओ, मोमेंटम कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है कि गोली चलने से पहले जितना मोमेंटम है सिस्टम का, गोली चलने के बाद भी मोमेंटम क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम। अगर पहले जीरो है तो बाद में भी क्या आएगा, जीरो, तभी मानोगे पी इज अ कॉन्स्टेंट। एक बात बताओ, बुलेट आगे चल पड़ी, मान लो इन दोनों का प्रोडक्ट आता है 10, एम वन वी वन को मल्टीप्लाई करके 10, तो बुलेट का मोमेंटम कितना है, 10, बुलेट का मोमेंटम 10 है। तो याद रखना कि इस गन का मोमेंटम भी एग्जैक्टली क्या आएगा, 10 आएगा, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए साइन क्या लगेगा, नेगेटिव, ताकि नेट आंसर फिर से क्या आ जाए, एक बार जीरो। तो आपको ये समझ में आया कि जो गन है पीछे को जा रही है, वो इसलिए पीछे जा रही है क्योंकि जो बुलेट मोमेंटम जनरेट करेगी उतनी वैल्यू का मोमेंटम गन भी जनरेट करेगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ताकि आगे और पीछे के मोमेंटम आपस में क्या हो जाए, कैंसल, और नेट मोमेंटम फिर से क्या आ जाए, जीरो। और यही तो आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम में नेट मोमेंटम सिस्टम का क्या होता है, जीरो। यानी कि बुलेट चलने से पहले और बुलेट चलने के बाद नेट मोमेंटम क्या रहेगा, सेम। तो बुलेट चलने से पहले नेट मोमेंटम क्या था, जीरो। बुलेट चलने के बाद नेट मोमेंटम क्या आना चाहिए, जीरो। और जीरो कब आएगा, जीरो तब आएगा जब एक वेक्टर आगे होगा, दूसरा वेक्टर एग्जैक्टली सेम वैल्यू का पीछे होगा, जो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल, तभी नेट आंसर क्या आएगा, जीरो। बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी और आपस में इनकी क्या हो जाती है, कैंसलेशन। पॉइंट समझ में आया? और आपको ये कैसे सिखाया जाता है छोटी क्लास में, गोली चलने से पहले गन और बुलेट का मोमेंटम इतना, गोली चलने के बाद बुलेट का इतना, और गन का कितना, इतना, गन का इतना, माइनस साइन स्टेट फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन। सॉल्व करना इसे, एम वन वी वन इज इक्वल टू, आप ये याद करके आए हैं, एम वन वी वन एम टू वी टू, पिछले की पीछे की स्टोरी तो पता ही नहीं आपको क्या हुआ था। तो समझ में आया ये एम वन वी वन एम टू वी टू क्यों आया, एम वन वी वन एम टू वी टू आपने याद किया हुआ है क्योंकि टीचर ने बोला एम वन वी वन एम टू वी टू। पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में नेट मोमेंटम क्या हो रहा है, जीरो। गोली चलने से पहले नेट मोमेंटम जीरो, गन और बुलेट का, गोली चलने के बाद भी उसको जीरो ही आना पड़ेगा,
तो इनका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट की वैल्यू एग्जैक्टली क्या रहेगी, सेम। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? कोई डाउट? बोट में हाँ, उसमें भी सेम होता है M1 और M2 V2 वाटर की। हाँ नहीं, वो तो जीरो मानते हैं, हाँ वाटर करंट नहीं लेते उसमें। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है जिसका एग्जांपल है, और डिटेल में डिस्कस करेंगे इसे वैसे अभी, पर अभी मुझे कुछ और प्रूव करना है। मुझे तो क्या प्रूव करना था फिर? तो एयर रेजिस्टेंट, तो एयर तो है ही नहीं ना, एयर तो दुनिया में है ही नहीं फिजिक्स में, तब ली हमने तो बंद की हुई है अभी। हवा जिस दिन चल पड़ी ना तो कुछ और ही कहानी बन जाएगी। हवा पानी का तो चैप्टर ही अलग है, एक महीना हवा एक महीना पानी, नवंबर दिसंबर में हवा पानी तो डिस्कस करनी है, एक महीना लग जाएगा डिस्कस करने में। हुआ गया था अगर पानी के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, लिक्विड का चैप्टर एक महीना खा जाएगा कम से कम। तो अभी तो आप रेजिस्टेंसेस को भूल ही जाओ, नहीं हो। तीन, देखो तीन तरीके की रेजिस्टेंस है। पहली सॉलिड फ्रिक्शन, जमीन की फ्रिक्शन, इसको सीखने में 15 दिन चाहिए, इसके बाद वही चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। दूसरे टाइप की फ्रिक्शन लिक्विड फ्रिक्शन, एक महीना चाहिए, नवंबर के अंदर डिस्कस होगा। और एक है गैस की फ्रिक्शन, एयर की फ्रिक्शन, उसको सीखने के लिए एयर लिक्विड की आगे गैस की अपने आप एक लेक्चर में आ जाती है, सेम होती है, बस खत्म। तो मतलब इतना इजी नहीं है फ्रिक्शंस को लेना अभी तो, एयर और तो छोड़ ही दो, अभी तो सॉलिड फ्रिक्शन अभी शुरू भी नहीं हुई। जिस दिन वो शुरू होगी आपको कहोगे यार तो कमाल की चीज़ है यार, अच्छा ऐसा सोचना था, तो सोचा ही नहीं ऐसा भी कभी, ऐसा भी होता था, हमें तो ये सिखाया बंदा आगे चलता है फ्रिक्शन पीछे है ना, इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स, इसके ऊपर तो नहीं आता ना। तो आप देखना इसके अंदर कैसे डिटेल में डिस्कस किया गया है, पॉइंट समझ में आ रहा है लेकिन यहाँ तक। तो न्यूटन थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ के लिए, सबसे पहली लाइन आपने लिखनी लिखनी है पेपर में, कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज। तो मैंने कौन सा आइसोलेटेड सिस्टम लिया? बॉल्स का ले लिया, दो बॉल मूव कर रही है M1 M2। M1 ने मान लो M2 को टक्कर मार दी, M1 ने M2 को टक्कर मारी, जब टक्कर मारी, टक्कर मारते हुए एक दूसरे पे क्या लगाई, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। तो मान लो M2 ने M1 पे फोर्स लगाई F12 वेक्टर, 12 का मतलब 1 के ऊपर फोर्स लगी, 2 ने लगाई, और M2 के ऊपर क्या लगी, F21 वेक्टर, तो 2 के ऊपर फोर्स लगी, 1 ने लगाई। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, ऐसा प्रूव कर रहे हैं मुझे, ये तो फोर्सेस हैं। तो मैंने लिख दिया यहां पर P1 वेक्टर क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल M1, P2 वेक्टर क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल M2, F12 क्या है, फोर्स M1 पे लगी, M2 ने लगाई, 21 क्या है, M2 पे फोर्स लगी, M1 ने लगाई। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स क्या होता है, dP/dt। तो F21 वेक्टर क्या होगा, 21 का मतलब 2 के ऊपर फोर्स लगी, तो F21 वेक्टर होगा dP/dt में P2 आएगा यहां पे, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान आगे, एफ इज dP/dt में, जब ये 21 है, 21 का मतलब बॉडी नंबर 2 की फोर्स है, तो मोमेंटम किसका, 2 का। F12 में पहला नंबर क्या है, 1, द बॉडी नंबर 1, तो मोमेंटम P1 है, लिख लोगे, दोनों बॉल्स की फोर्स आ गई dP/dt, काम करो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड, दोनों के राइट हैंड साइड में dP/dt कॉमन आ गया, तो क्या बचा, P1 + P2। तो P1 वेक्टर और P2 वेक्टर क्या है, टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होगा, पहली बॉल का मोमेंटम प्लस सेकंड बॉल का मोमेंटम, यानी कि P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। अब मुझे ये पता है कि क्योंकि ये सिस्टम कौन सा है, आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट, वैसे होता नहीं है, पर क्योंकि मैंने सिस्टम कौन सा लिया, आइसोलेटेड, और हमने डिस्कशन की आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों बॉल्स का नेट मोमेंटम का वेक्टर सम क्या आएगा, 0 ही आएगा, समझ में आ रहा है यहां तक, क्योंकि सिस्टम कौन सा है, आइसोलेटेड। तो अगर डिफ्रेंसिएशन किसकी हो रही है, टोटल मोमेंटम की, और टोटल मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट, तो मुझे एक बात बताओ, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0, तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, 0, समझ में आ रहा है यहां तक। मैंने बोल तो दिया क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम में नेट मोमेंटम का सम क्या आएगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0, तो राइट हैंड साइड क्या आ गई, 0, तो ये टर्म इधर आ गई, तो क्या ये क्या था, एक्शन, ये क्या है, रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन इक्वल नेगेटिव साइन क्या शो करता है, ऑपोजिट इज इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ये स्कूल में लिख के आना है,
कि आएगा पेपर में, दो केस बना के बिल्कुल ऐसे लिख के आना है, तो एंड में लिखना है, क्योंकि दोनों लॉज सेकेंड लॉ से प्रूफ किए जा सकते हैं, तो ये एक रियल लॉ ऑफ मोशन है। हो जाएगा प्रूफ सही? कोई डाउट इसमें? ये आएगा पेपर में पक्का है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। मतलब अगर आप कुछ नहीं पढ़ के जाते, बस आज का ये लेक्चर पढ़ जाते हो, तो भी आप तीन नंबर तो लेके आएंगे। मतलब जीरो तीन आएंगे, और क्या चाहिए बताओ यार, फ्री के नंबर पढ़ गए आज। ठीक है, यहाँ तक नेक्स्ट। एक्चुअली इस बार ना सेशन थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ ना, एक महीने का फर्क पड़ गया, वन मंथ। एक महीने का असर आपको नहीं पता लगेगा, वो हमें पता लगेगा। आपको तो नॉर्मल पढ़, आपको थोड़ा पता है, हमें पता है कि जनवरी तक कैसे कोर्स ख़त्म करना है। शीट्स पे शीट्स हैं, अभी ऐसी तीन किताबें, चार किताबें हैं टोटल, ये पहली चल रही है प्लस वन की, चार बहुत होती हैं प्लस वन की ऐसी किताब। चलो एक तो खत्म होने वाली है फिर भी। फिजिकल वर्ड भी, हाँ 25 पेज का फिजिकल वर्ड ही है, ये तो घंटे में ख़त्म हो जाएगा। थ्योरी है इसमें तो कुछ है ही नहीं करने वाला। फिजिकल वर्ड और फ्रिक्शन और सर्कुलर दो रह गए, पर चलो कोई बात नहीं, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, हो जाएगा ख़त्म। हमने एक्चुअली पेज जो है वो स्टार्टिंग से ठीक रखी हुई है, ऐसी बात नहीं है। वो क्रिकेट मैच होता है ना, जब वो रेन पड़ जाती है बारिश, तो वो बैट्समैन को पता होता है कि अब आराम से खेलना नहीं है, ओवर 40 ही मिलने हैं तेरे को, चौके छक्के मार। तो अब स्टार्टिंग से हमने स्पीड का पेस ठीक रखा हुआ है, मतलब मैं अपने आप को बोल रहा हूँ ठीक है, क्योंकि काफ़ी चैप्टर्स हमने ख़त्म कर दिए हैं उस हिसाब से देखा जाए तो। अगर एक महीना और मिलता तो थोड़ा आराम से, एंड में थोड़ा प्रेशर कम होता है, इसमें देखते हैं एंड में प्रेशर थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको जल्दी कर लेंगे कवर। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और प्रॉब्लम मेरी नहीं है, प्रॉब्लम स्कूल वालों की भी यही है, वो भी कैसे कवर करेंगे, अगर मैं नहीं कर पा रहा तो वो भी कैसे करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो वो भी डिटेक्ट करेंगे, कुछ तो करेंगे ही। देखो नहीं करते, थर्मल गई, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नेक्स्ट, यही टॉपिक है ना, चेक करो यही है, कट किया है ना, करेंगे कट, पक्का करेंगे, करवा ही नहीं सकते, इतना कोर्स है, इतना कोर्स है, कैसे होगा, कुछ तो डिटेक्ट करेंगे यार, देखते हैं। चलो चलो ना करें हमारी तरफ से यार, हमने तो सारी कर देना यार, हमारी तरफ से करें ना करें कोई फर्क नहीं है। देखो नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का टॉपिक, अगर आप ये कहें कि अब ये जो टॉपिक है पेपर में आएगा, ना ना ये पेपर में ना आता, आपको यार फिर वही शुरू हो गया, एक शीट पेपर में नहीं आती, वो पेपर में आती है। एक्चुअल में एक कॉन्सेप्ट है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ये दो महीने आपका पीछा ना छोड़ेगा, आपको फिजिक्स नहीं आएगी अगर आपने ये चीज़ ना सुनी तो इसलिए आपको थ्योरी में पूछेगा ही नहीं वो। हाँ जो वो पूछेगा मैं बताऊंगा, मैंने शीट बना रखी है, जो वो जब मैं बोलता हूँ हाँ ये पेपर में आएगा, वो अलग शीट है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर से बता रहा हूँ। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन का मतलब कॉन्स्टेंट होना, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है कि एफ इज डी पी बाई डी टी, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, इफ एफ इज जीरो तो उसका पी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। क्या हमने, अगर एफ जीरो होगा तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या है, जीरो, तो पी को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, तो पी इज अ कांस्टेंट। तो ऐसा सिस्टम को क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक। तो आइसोलेटेड सिस्टम का नेट फोर्स क्या होता है, जीरो, तो पी क्या होता है उसका, कॉन्स्टेंट। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आइसोलेटेड सिस्टम कौन कौन से होते हैं, सारी दुनिया के आइसोलेटेड सिस्टम में बता नहीं सकता आपको, मतलब जिंदगी खत्म हो जाएगी, आइसोलेटेड सिस्टम खत्म नहीं होगा, पर हाँ ये बता सकता हूँ कि हमारी प्लस वन प्लस टू में मेन कौन कौन से आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, क्वेश्चन किस पे आते हैं वो बता देता हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि आइसोलेटेड सिस्टम कौन से हैं, और जो मैं करवा रहा हूँ इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये बात पक्की है। मतलब वो नया आइसोलेटेड सिस्टम आपसे पूछेगा नहीं, जो मैं करवा रहा हूँ बस इसी में से आएगा 2 साल, तो ठीक है, फिर क्या टेंशन है, फिर आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है
कि सिस्टम आइसोलेटेड है या नहीं है, क्योंकि इसमें जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सारे के सारे आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट। पहला पॉइंट क्लियर है, याद हो गया ये एग्जाम्पल। मान लो आपके पास एक गन है, एग्जाम्पल दिया मैंने, और गन में क्या है, बुलेट है, बुलेट का मास M1, गन का मास M2। तो जब ये गोली नहीं चली, बुलेट नहीं चली, तो नेट मोमेंटम गन और बुलेट का क्या, जीरो। क्लियर है, जीरो। अब बुलेट चली, आगे का मोमेंटम कितना M1V1, गन का मोमेंटम कितना M2V2। तो M1V1, M2V2, पर क्योंकि इन दोनों का सम जीरो होना चाहिए तभी लेफ्ट और राइट की इक्वेशन मैच करेगी, तो साइन क्या आएगा यहां पर, नेगेटिव। तो जितना ये होगा उतना ही होगा ताकि नेट आंसर क्या आ जाए, जीरो। कोई डाउट इसमें? तो M1V1, M2V2, आप इक्वेशन याद, तो आज के बाद जब गोली चलेगी बुलेट में, बुलेट चलेगी गन में से, तो आपको सोचना थोड़ी ना है, सीधा लगाना है M1V1 = M2, डन। न्यूमेरिकल में आप ये सब कहानी थोड़ा याद करोगे, आप इतनी बार सुन चुके हो ये चीज मुझसे, आप और आप छोटी क्लास में करके भी आए होंगे ये, तो आपको पता ही है M1V1 M2V2, डन। पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि कैसे आया। नेक्स्ट है, अब ये मैंने ना स्केलर में कर दिया, जब हम स्केलर में करते थे याद करो तो साइन क्या लगाते थे, नेगेटिव, क्योंकि वेक्टर नहीं लगाया तो माइनस साइन लगाना पड़ता है टू शो द ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम प्रॉब्लम अब मैं किस में करूंगा, वेक्टर में। तो वेक्टर में जब बुलेट नहीं चला, गन नहीं चला, नेट मोमेंटम क्या, जीरो। बुलेट चला M1V1 वेक्टर, वेक्टर का मतलब वैल्यू एंड डायरेक्शन बोथ इंक्लूडेड, गन पीछे जाएगी M2V2 वेक्टर, तो वेक्टर इन दोनों का वेक्टर सम क्या आना चाहिए, जीरो। वेक्टर सम जीरो का मतलब ये होता है आपको यहां पर नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेक्टर ऑटोमेटिकली नेट सम क्या कर देगा, इसका आपस में कैंसिल करके क्या कर देगा, जीरो। तो जब स्केलर यूज करते हैं तो नेगेटिव लगाना है, क्योंकि स्केलर में तो फिर वेक्टर है ही नहीं, तो मैं डायरेक्शन कैसे शो करूंगा, नेगेटिव लगा के। वेक्टर में सीधा सीधा लगा लो, तो क्या आएगा, M1V1 वेक्टर इक्वल टू -M2V2 वेक्टर। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, कि ये मोमेंटम अगर राइट है तो ये मोमेंटम लेफ्ट है, नेगेटिव वेक्टर, याद है नेगेटिव वेक्टर क्या शो करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ रहा है यहां तक? हाँ, वो अलग बात है, हम पेपर में ये नहीं करेंगे, हम पेपर में यही करेंगे, क्यों करेंगे, वेक्टर के साथ काम उसी के साथ कर लेंगे, सिंपल है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, पर मेरा बताना इसलिए जरूरी है, कोई किताब पढ़ रहे हैं, बुक में वेक्टर यूज हो जाए, आपको सर नेगेटिव साइन लगाया, तो अगर स्केलर यूज कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन आएगा, अगर वेक्टर कर रहे हैं ऑटोमेटिकली यहां पर ऐसे ही करना पड़ेगा। सेकंड एग्जांपल, एक बॉम्ब पड़ा था, बॉम्ब फट गया, बॉम्ब फटा, उसके दो टुकड़े निकले, दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा अगर इधर जाएगा तो दूसरा टुकड़ा हमेशा इसके ऑपोजिट ही आएगा, देखते हैं कैसे। अलीशा नहीं है, नायरा 530 में चली गई, प्रथम ज्योत, वानिशा, प्रांशु, सरगम, ऋषि, प्रेजेंट है ऑनलाइन, लगा दिया आपने, एक सेकंड रुको, और परी, रघुवंश, जिया, संचित, ठीक है, ऑनलाइन वालों की होगी ना अटेंडेंस, ठीक है, ओके ओके। देखो अब दूसरा एग्जांपल आइसोलेटेड का, बॉम्ब का फटना, बॉम्ब पड़ा था यहां पे, अब देखो मैं कैसे बॉम्ब को फोड़ता हूं। मैं बॉम्ब के पास गया, मैं इसको दो टुकड़े किए, पहले टूट गया, एक टुकड़े को यहाँ फेंक दिया, एक को फेंका ही नहीं, अच्छा चलो एक को वहाँ फेंक दो, चलो एक को वहाँ, एक को ऊपर फेंक दिया, मेरी मर्जी। ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूसली क्या लगा रहा हूँ, फोर्स, अपनी मर्जी चला रहा हूँ। अब दूसरा तरीका, बॉम्ब पड़ा था, बस मैंने आग लगाई है, एनर्जी जो है वो बाहर निकलेगी, या कैसे बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया, जब बॉम्ब एक्सप्लोड होगा ऑटोमेटिकली एक हिस्सा आगे जाएगा, तो दूसरे हिस्से को उसके ऑपोजिट आना ही पड़ेगा। तो मैंने उन टुकड़ों को उठा के फेंका नहीं है, अगर एक आगे जा रहा है तो दूसरा उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट ही आएगा, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो बॉम्ब का नेचुरल एक्सप्लोड होना इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो जब बॉम्ब एक्सप्लोड होता है
तो दोनों टुकड़े बॉम्ब के फटने से पहले दोनों टुकड़े बॉम्ब के अंदर पड़े हुए हैं, तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम क्या? जीरो। और क्योंकि मैं बता रहा हूं दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का नेट मोमेंटम हमेशा क्या होता है? जीरो। तो इसके फटने से पहले मोमेंटम जीरो, अब ये फट गया, एक टुकड़ा इधर क्या मोमेंटम एम वन वी वन, दूसरे को 101% इधर आना ही पड़ेगा। क्यों? क्यों? ताकि ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव लगे। तो अगर इनका प्रोडक्ट 10 है तो इसका प्रोडक्ट -10 है, ताकि नेट मोमेंटम क्या आ जाए? जीरो। जीरो कब आएगा? जब एक वेक्टर इधर जाएगा तो दूसरा वेक्टर ऑपोजिट जाएगा, तभी आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसल। तो इसका मतलब मैथमेटिकली समझ में आ रहा है कि अगर एक टुकड़ा आगे जाएगा दूसरे को उसके ऑपोजिट आना ही पड़ेगा, किसी और डायरेक्शन में दूसरा टुकड़ा जा ही नहीं सकता। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो जब भी बॉम्ब फटेगा तो उसके पीछे वाले हिस्से से दूर रहना, क्योंकि उसका पीछे वाला हिस्सा फट के आपकी तरफ ही आने वाला है। तो अगर एक बॉम्ब का एक टुकड़ा उधर जा रहा है तो दूसरा टुकड़ा पीछे आएगा ही आएगा। दिवाली के बुलेट बॉम्ब होते हैं, बुलेट बॉम्ब के अंदर पत्थर डाला होता है हल्का सा, वो बड़ी जोर की लगता है अगर किसी ने खाया हो तो, ऐसा लग जाता है। हाँ हाँ, उसमें पत्थर होता है हल्का सा, लगा किसी के, लगता है बड़ी जोर की। तो वो क्या बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है आप, और स्पेशली तब लगता है दीवार पर चला रहे होते हो, और नीचे चला रहे हो तब नहीं, क्योंकि जमीन भी हिट करेगा आपको नहीं लगेगा। दीवार पे चला रहे हो और बॉम्ब मान लो मैं से चला रहा हूँ और पीछे एक और स्टूडेंट खड़ा है पीछे, तो जैसे ही वो फट गया तो उसका वो, क्योंकि एक टुकड़ा आगे तो दूसरा टुकड़ा पीछे जाना ही जाना है, तो कुछ ऐसा पार्टिकल्स चोट लग सकती है उससे। तो बेसिकली ये सारा कॉन्सेप्ट है क्या, यही कॉन्सेप्ट है। आपने वो आर्मी के वो बोफर्स देखे होंगे, वो जो गन चलाते हैं, वो क्या बड़े बड़े मिसाइल चलती हैं, तो क्या है वो एकदम बॉम्ब जब गिरते हैं शेल वो बाहर निकलता है तो आर्मी वाले खुद पीछे हो जाते हैं, आपने देखा होगा, वो पीछे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पीछे रिएक्शन आएगा ही आएगा उसका, और कितना जबरदस्त रिएक्शन होगा आप सोचो। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो एकदम गोला निकलता है और पीछे की तरफ टैंक जो है पीछे की तरफ आता है हमेशा। क्लियर है यहाँ तक? तो कंजर्वेटिव मोमेंटम, तो जो बॉम्ब फटेगा दो टुकड़ों में तो एक आगे दूसरा पक्का पीछे जाएगा, ताकि नेट मोमेंटम दोनों का क्या हो जाए? जीरो। तो वही सेम है M1V1 = M2V2। क्लियर है यहाँ तक? तो आज के बाद गोली चली M1V1 M2V2, बॉम्ब फटा M1V1 M2V2, बॉम्ब कितने टुकड़ों में फटा? दो में फटा। पर अगर तीन में फट गया तो तीन टुकड़े हो गए तो भी रूल वही रहेगा। तीन टुकड़ों के अंदर क्या होगा? देखो ये एक बॉम्ब है, बॉम्ब नहीं फटा तो इनिशियल मोमेंटम क्या? जीरो। बॉम्ब फट गया तीन टुकड़ों में, एक टुकड़ा गया इधर M1V1, मान लो एक टुकड़ा गया M2V2 ऊपर, तीसरे टुकड़े को हर हालत में इधर आना ही पड़ेगा। आप कहोगे कैसे भाई, ये कैसे पता लग गया? क्योंकि दो टुकड़ों ने मिलके नेट मोमेंटम क्या लगाया? मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से नेट वेक्टर यहां आएगा कितना? अंडर रूट ऑफ M1V1 का स्क्वायर प्लस M2V2 का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? तो नेट मोमेंटम कहां आएगा? यहां आएगा, राइट। अब ये दो टुकड़े नेट मोमेंटम यहां जनरेट कर रहे हैं, तो ये आ गया दोनों का मोमेंटम। तीसरे को इसका आंसर क्या लेके आना है? जीरो। तो तीसरे को एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट आना पड़ेगा, ताकि जितनी ये वैल्यू है एग्जैक्टली उतनी ये वैल्यू है, दोनों की वैल्यू सेम और विद नेगेटिव साइन, ताकि मान लो सॉल्व करके 10 आता है, ये भी -10, ताकि नेट मोमेंटम फिर से क्या आ जाए? जीरो। तो पॉइंट समझ में आया यहां तक? अगर तीन टुकड़े होंगे तो दो टुकड़ों का मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया, ये रहा तीसरा, ये रहा, तो इसका और इसका सम क्या आना चाहिए? जीरो। तो एक वैल्यू वो रही, एक वैल्यू -M3V3। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये आपके पास क्या आ गया? नेट मोमेंटम जितना इनिशियल था उतना फाइनल आ गया। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? तो M3V3 राइट साइड पे ले आओ, स्क्वेयरिंग कर दो, कुछ भी कर लो, फॉर्मूला याद नहीं करना, कॉन्सेप्ट समझ लो। तो पेपर में तीन टुकड़े आएंगे तो ये लगा देना, दो टुकड़े आएंगे ये लगा देना, चार टुकड़े आएंगे, आएंगे नहीं चार टुकड़े, चार नहीं आते, या दो आते हैं, तीन आते हैं, ऐसे तो यार जिंदगी निकल जाएगी। एक्चुअली में 100 टुकड़े होते हैं, 100 टुकड़ों का वेक्टर सम कौन लेगा? वो नहीं हम कर पाएंगे, 2 या 3 मैक्सिमम है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो रूल समझ में आ रहा है कैसे लगेगा? ठीक है, तो आज के बाद गोली का चलना, बॉम्ब का दो टुकड़ों में फटना, बॉम्ब का तीन टुकड़ों में फटना, सब आइसोलेटेड सिस्टम। नेट मोमेंटम पहले भी जीरो, नेट मोमेंटम बाद में भी जीरो, सही है। नेक्स्ट, आइसोलेटेड सिस्टम,
नेक्स्ट आइसोलेटेड सिस्टम है बॉल्स का टक्कर होना, बताया था मैंने, दो बॉल्स का टक्कर होना और फिर सेपरेट होना इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो मान लो दो बॉल्स आ रही हैं विद द वेलोसिटी ऑफ यू वन यू टू, आगे चल रही हैं, ऑब्वियसली यू वन ग्रेटर देन यू टू है तभी टक्कर होगी, तो इनकी टक्कर हो जाती है। टक्कर होने के बाद जब सेपरेट होती हैं तो इसकी वेलोसिटी वी वन, इसकी वेलोसिटी वी टू, तो नई वेलोसिटी रिक्वायर हो गई। तो टक्कर से पहले ये पूरा सिस्टम है, टक्कर से पहले दोनों बॉल्स का नेट मोमेंटम क्या होगा, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू। टक्कर के बाद नेट मोमेंटम क्या होगा, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। तो टक्कर होने से पहले नेट मोमेंटम, टक्कर होने के बाद नेट मोमेंटम विल रिमेन सेम। कोई डाउट इसमें? टक्कर होने से पहले, टक्कर होने के बाद नेट मोमेंटम सेम है। टक्कर से पहले यहाँ नेट मोमेंटम जीरो थोड़ी ना है, इसका एम वन यू वन है, इसका एम टू यू टू है। टक्कर होने के बाद एम वन इसी बॉल का एम वन वी वन है, इसका एम टू वी टू है, तो इनका सम इनिशियल और फाइनल सेम है। कोई डाउट? जरूरी नहीं है, वो तो टक्कर पे डिपेंड करता है। दो बॉल सामने जा रही हैं, इसने इसको टक्कर मारी तो ये आगे भी जा सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है ऐसे आ रही हैं बॉल्स और फिर ऐसे चली गई, वो हम एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है कोलिजन्स, उसमें फिर जैसे मर्जी एंगल पे बॉल को फेंकना सब, वो पूरा चैप्टर एक हफ्ते का चैप्टर है, कोलिजन्स नाम ही कोलिजन्स है, तो वो उसमें सिखाएंगे कि हेड ऑन कोलिजन्स कैसे होती हैं। पर अभी एक आइडिया देना, आइडिया सफिशियंट है इतना। तो मैंने केस ये एक लिया है, दोनों सामने जा रही हैं, क्योंकि अगर मैं उल्टा लूँगा मुझे नेगेटिव साइन लगाने पड़ेंगे डायरेक्शंस के लिए, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं उस कोलिजन को खोल के बैठ जाऊँ। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो आज के बाद फिर दो बॉल्स की जब टक्कर होगी और सेपरेट होंगी तो मोमेंटम क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, और ये रूल लगेगा। ये कोलिजन इन वांडी है, वांडी समझते हो, एक एक्सिस पे, मतलब पहले भी एक्स एक्सिस पे बॉल चल रही है, बाद में भी एक्स पे चल रही है बॉल। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कोलिजन इन 2D, कोलिजन इन 2D के अंदर क्या है, बॉल जैसे वो पूल टेबल, ये टॉप व्यू है, ऐसा नहीं है बॉल उड़ के जा रही है, ये टेबल के ऊपर वो एक बॉल पड़ी हुई है, बॉल आती है सामने एक और बॉल पड़ी है, टक्कर होती है, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है टेबल के ऊपर ही। तो इसका फोटो खींच के टॉप व्यू ऐसे खींच के, ये टेबल का टॉप है तो हम टॉप से देख रहे हैं कि बॉल्स ऐसे जा रही हैं, टेबल के ऊपर है, ठीक है, वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? इमेजिन कर पा रहे हो कैसा डायग्राम है ये? तो इसमें 2D इसलिए क्योंकि एक्स वाई प्लेन में बॉल जाएंगी, तो ये इसको टक्कर मारेगी एक इधर एक इधर। अब इसकी वैसे ज़रूरत है नहीं इस चैप्टर में, बट हम एक चैप्टर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कोलिजन्स। आप मानोगे कोलिजन के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें सिखानी होती हैं, एक मैंने सिखा दी, दूसरी मैं सिखा रहा हूँ। आप ये लगाओ ये दो एग्जाम्पल के साथ कोलिजन का चैप्टर मेरी तरफ से 50% चैप्टर तो आपको गिफ्ट यही हो जाएगा, आपको वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एज इट इज़ समझो ऐसे निकल जाएगा इस एग्जाम्पल के बाद। तो मेरा ये थोड़ा स्टाइल भी है कि जब प्रोजेक्टाइल चलता है तो बीच में इंक्लाइन प्लेन करवाता हूँ, तो फोर्स ईजी लगता है। फोर्स के अंदर जैसे हम फोर्स कर रहे हैं, मोमेंटम करवा रहा हूँ, कोलिजन करवा रहा हूँ, तो कोलिजन ईजी लगेगा। तो लिंक बनाता हूँ ताकि आने वाला चैप्टर का बेस तैयार हो जाए। जब कोलिजन चलेंगी तो सेंटर ऑफ मास करवाऊँगा तो वो सेंटर ऑफ मास आसान हो जाता है उससे। तो ऐसे ये मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा उसमें एक जो गैप है वो कम हो जाता है दो चैप्टर्स में, ठीक है, फिर जाना पहचाना लगेगा कि कोलिजन है। देखो आखिरी एग्जाम्पल है, इसको उस टाइम भी कर सकते हैं जब कोलिजन स्टार्ट होगा, इसको अब भी कर लेते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं है। पर हाँ, इस चैप्टर में ये एग्जाम्पल तो नहीं आएगा कम से कम, क्योंकि ये अगले से अगला चैप्टर है। हाँ, मैं करवा भी रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं 2 महीने बाद फिर कहूँ कि चलो आइसोलेटेड सिस्टम फिर से लेते हैं। आपको यार वो ख़त्म तो किया था, और कितने हैं? तो मैं आज के बाद ये नहीं कहूँगा कि एक और सिस्टम रह गया था आइसोलेटेड, वो भी कर लेते हैं, नहीं मैं नहीं कहूँगा, अब ये लास्ट है। तो मतलब वन टाइम ही ख़त्म है, एक लिस्ट बना दी, बस लिस्ट कवर कर देते हैं, तो पूरा साल अब आइसोलेटेड की बात नहीं करेंगे, बस इसी की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, कोलिजन इन 2D, तो M1 बॉल आ रही है विद द वेलोसिटी ऑफ U, M2 किस पे पड़ी हुई है, रेस्ट पे। M1 ने M2 को टक्कर मारी, M1 इधर चलेगी विद द वेलोसिटी ऑफ V1, M2 इधर आ गई विद द वेलोसिटी ऑफ V2, राइट, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो M1 इधर चलेगी, M2 इधर चली गई, ठीक है। तो इसके अंदर M1 गई विद द वेलोसिटी ऑफ V1 वेक्टर, M2 गई विद द वेलोसिटी ऑफ V2 वेक्टर,
क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो m1 आ रही है, m2 रेस्ट पे है, m1 v1 वेक्टर, m2 v2 वेक्टर, राइट। और m1 गई x के साथ एंगल बनाती हुई थीटा वन, m2 गई बनाती हुई एंगल थीटा टू, राइट। डायग्राम क्लियर है? अब मुझे पता है m1 v1 मोमेंटम है, इसका फाइनल मोमेंटम है, एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं, हम कभी टेढ़े वेक्टर लेते नहीं हैं, तो एक्स में लेते हैं या वाई में लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट लेंगे। पहला कंपोनेंट एक्स के साथ कितना, एम वन वी वन कॉस थीटा वन, और एक कंपोनेंट वाई के साथ एम वन वी वन साइन थीटा वन। ऐसे ही एम टू वी टू का भी, एम टू वी टू कॉस थीटा टू, एम टू वी टू साइन थीटा टू। कोई डाउट इसमें? बन गए वेक्टर्स। तो अब हम इसके साथ काम नहीं करेंगे, इन चारों के साथ काम करेंगे। डायग्राम क्लियर है? 2D में कुछ नहीं करना, ये 2D है तो कंपोनेंट्स ले लो। 2D को 1D में कन्वर्ट करने का तरीका ही एक है, कंपोनेंट्स ले लो। तो इसमें m1 v1 के दो कंपोनेंट्स हैं, m2 v2 के भी दो कंपोनेंट्स हैं। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कोलिजन इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, और आइसोलेटेड सिस्टम का नेट मोमेंटम क्या होता है, कॉन्स्टेंट। प्रॉब्लम यह है कि ये 2D है, 2D का मतलब x एक्सिस में भी मोमेंटम है और y में भी मोमेंटम है। तो यहां पर x का मोमेंटम भी कांस्टेंट है एंड y का मोमेंटम भी कांस्टेंट है। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर x का मोमेंटम भी कांस्टेंट है और y का मोमेंटम भी कांस्टेंट है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो यहां पर हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। x का मोमेंटम अलग कांस्टेंट करना पड़ेगा, x एक्सिस के लॉन्ग इक्वेशन अलग है, y के लॉन्ग इक्वेशन अलग बनेगी। मैं बना के दिखाता हूं, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन है ना, 2D है। 2D में क्या होता है, x में अलग चलेगा सब कुछ, y में अलग चलेगा। देखो कैसे। सबसे पहले x एक्सिस देखो, जब मैंने बोला x एक्सिस तो बस आपने इसी को देखना है, y में देखना ही नहीं है कुछ भी। टक्कर से पहले, कोलिजन से पहले x के अलोंग दोनों बॉल्स का मोमेंटम, कोलिजन के बाद x के अलोंग दोनों बॉल्स का मोमेंटम विल रिमेन सेम। टक्कर से पहले इस बॉल का मोमेंटम बोलो कितना है x में, m1 into u, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, तो m1 into u क्लियर है। टक्कर से पहले सेकंड बॉल किस पे पड़ी हुई है, रेस्ट पे, तो इसका मोमेंटम क्या, जीरो। तो इनिशियल मोमेंटम क्लियर है x एक्सिस में। अब फाइनल मोमेंटम x में, इस बॉल का मोमेंटम x के अलोंग फाइनल कितना है, m1 v1 cos थीटा 1, और इस बॉल का कितना है, m2 v2 cos थीटा 2। तो क्लियर है, ऐड कर दें फाइनल। तो कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम, कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम विल रिमेन सेम। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है? मैंने सारे कंपोनेंट किसके अलोंग लिए, सिर्फ एक्स के अलोंग लिए, खत्म, डन। अब फिर से लगाते हैं, इस बार इक्वेशन किस में लगाएंगे, वाई में। चलो फिर से, टक्कर से पहले दोनों बॉल्स का मोमेंटम वाई में, चलो टक्कर से पहले बताओ इस बॉल का मोमेंटम वाई में कितना है, आप हो गए है ही नहीं। मैंने पूछा क्यों, क्योंकि किस में मूव कर रही है, x में, y में तो मूव ही नहीं कर रही, तो इस बॉल का मोमेंटम क्या रहेगा, y में, जीरो। अच्छा, इसका मोमेंटम बोलो, ये तो रेस्ट पे पड़ी हुई है टक्कर से पहले, तो इसका मोमेंटम भी जीरो। तो y एक्सिस में कोई मोमेंटम है ही नहीं, इनिशियल, फाइनल टक्कर के बाद इस बॉल का वाई में मोमेंटम कितना है, एम वन वी वन साइन थीटा वन, और इसका कितना है, एम टू वी टू साइन थीटा टू विद नेगेटिव साइन। क्यों नेगेटिव साइन, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जीरो है, तो राइट को भी क्या आना पड़ेगा, जीरो। इसका मतलब ये और ये मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे और आपस में क्या करेंगे, कैंसिल, और नेट आंसर क्या देंगे, जीरो। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि मोमेंटम एक्स में अलग और वाई में अलग कैसे लगता है। इक्वेशन क्लियर है यहां तक? तो एक्स में अगर लगाना है तो एक्स में एम वन यू वन, ये रेस्ट पे है, एक्स एक्सिस में दिस प्लस दिस, फर्स्ट इक्वेशन। y में लगाना है, ये मूव ही नहीं कर रहा y में, जीरो, ये रेस्ट पे है, जीरो, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम विद नेगेटिव साइन। क्लियर है यहां तक? तो ये इक्वेशन मैंने बनानी जरूर सिखाई, मेरे को इस चैप्टर में चाहिए नहीं। तो अगर आपको नहीं भी समझ में आई या आई, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम कोलिजन में करेंगे मैं आपको सारा फिर से एक्सप्लेन करूंगा, तो उस टाइम समझ में आ जाएगी। क्यों हुआ, वाई एक्सिस में ये तो जीरो है ना, आप एक बार बताओ, लेफ्ट हैंड साइड क्या जीरो, राइट को क्या आना पड़ेगा, तो कैसे आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव,
नेगेटिव में इसलिए किया क्योंकि एक वेक्टर ऊपर एक वेक्टर नीचे। अच्छा चलो ऐसे कर लो, ये जितनी वैल्यू है उतनी ये वैल्यू होगी और दो वेक्टर आपस में कैंसिल, ऐसे कर लो। अब मत करो इक्वेशन, वैसे ही बोल दो कि ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी ताकि नेट आंसर जीरो आ जाए। ऐसे वेक्टर तो आता ही आपको, ऐसे कर लो। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? देखो लास्ट एग्जांपल है बोट और मैन प्रॉब्लम, बोट और मैन प्रॉब्लम, बस ये लास्ट है। इसके अलावा अब आज के बाद हम आइसोलेटेड सिस्टम नया नहीं लेके आऊँगा, बस जो है ये ख़त्म है। ठीक है तो करें स्टार्ट। मोमेंटम कंजर्वेशन थोड़ा सा अजीब लगता है शुरू में लोगों को कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, डर भी लगता है कि नया प्रॉब्लम आ गया तो मैं कैसे करूँगा हैंडल। तो मैं आप कॉन्फिडेंस रखो, नया प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। सारी तो लिस्ट बना के दे दी, नई प्रॉब्लम तो तब आती है जब एक एग्जांपल के बाद बंदा कहता है चल परसों लेक्चर में द्वारा एक नया नया क्वेश्चन आएगा उसमें बताऊंगा। फिर बच्चा कंफ्यूज होता है कि यार रोज ही आइसोलेटेड लेके बैठ जाता है, समझ ही नहीं आता यार आइसोलेटेड है कि नहीं है। अब क्या समझना है, अब तो नहीं भी समझ में आया याद ही कर लो यार ये चार आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आना, बात ही खत्म। और सब में मोमेंटम कंजर्व करना है और सबका ट्रिक बता दिया मोमेंटम कैसे कंजर्व होना है, इसके अलावा कुछ लगेगा ही नहीं, काम ही खत्म है। और ये नहीं है एक नहीं है तीन महीने का काम खत्म है, तीन महीने लगता रहेगा बार बार, तो आपको याद ही हो जाएगा कुछ महीने बाद। ऑनलाइन क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है तो इसके अंदर सपोज आपके पास एक बोट है और ये मैन है। अब इसके अंदर मैन का मास m1 है, बोट का m2 है। ठीक है बोट मैन आगे जाता है, मैन आगे जाता है, बोट पीछे आती है। मैन की वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट। दूसरा केस ऐसा भी हो सकता था, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दो केस तो मैंने दोनों केस सॉल्व किए हैं। पहले केस में मैंने क्या किया, जब आपको वेलोसिटीज क्या गिवन होंगे रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो क्या करना है, और दूसरा केस मैं करूंगा जब आपको वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट गिवन हो तो क्या करना है। एक काम करते हैं पहले, तो आगे चलने से पहले मैं पहले ये वाला केस समझा देता हूँ आपको, ये आसान केस है, लगता भी यही है ज़्यादा ये लगता है। क्या आप डायग्राम अलग से बना लेना अपनी बुकलेट में, इसका आप डायग्राम बनाओ। ये बोट है, ये मैन है, मैन का मास है m1 मूविंग विद vm और बोट का मास है m2 मूविंग विद vp। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है तो देखो ये डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम बना लो बुकलेट में साथ ही, इसकी इक्वेशन के साथ बनाना, बॉक्स के साथ बना लो। देखो आपको बोट और मैन के क्वेश्चंस दो किस्म से आएंगे, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। पहला केस आएगा बोट मैन m1 m2, आपको मैन की वेलोसिटी गिवन होगी सिर्फ vm, vm का मतलब अंडरस्टूड है विद रिस्पेक्ट टू क्या, ग्राउंड। और दूसरा केस आपको मैन की वेलोसिटी गिवन होगी विद रिस्पेक्ट टू बोट, क्योंकि बोट चल रही है, चलती हुई बोट के हिसाब से मैन को क्या लगा, दोनों में फर्क है। तो
तो अगर तो आपको ये केस आ गया कि मैन की एक्चुअल वेलोसिटी आ गई, बोट की एक्चुअल वेलोसिटी है, तो कुछ नहीं करना आपने, ये बिल्कुल वैसी काम करेगा जैसे वो बुलेट और गन है। तो इनिशियली ना मैन चल रहा है ना बोट चल रही है, तो इनिशियली दोनों का मोमेंटम क्या, जीरो। ना बोट चल रही है ना मैन चल रही है, जीरो। मैन आगे चला m1 विद अ वेलोसिटी ऑफ vm, तो मोमेंटम आया, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आंसर आना चाहिए, जीरो। और मैन का बोट पे चलना इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो तो फाइनल भी क्या आना चाहिए, जीरो। तो बोट को हर हालत में कहां जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा इतने मोमेंटम के साथ, ताकि नेट मोमेंटम सॉल्व करके क्या आ जाए, जीरो। पॉइंट समझ में आया यहां तक, वही बुलेट वाला सेम केस है। तो आपने m1 v1 m2 v2 लगाया है, तो सॉल्व करके ये इक्वेशन काम आएगी। इसमें vb का मतलब बोट की वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और vm का मतलब मैन की वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ये सबसे आसान केस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लगा लोगे ये इक्वेशन आगे, थ्योरी याद नहीं करनी इसकी। अब आप ये सोचो मैं याद करके पेपर में जाऊंगा, कुछ ना याद करना, कुछ नहीं आएगा। न्यूमेरिकल आएंगे, मैं न्यूमेरिकल की शीट अभी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसमें भी लगा के देखेंगे सारा हम, ताकि आपको पता लगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इसमें अब मान लो दूसरा केस है, ये वाला केस है, ठीक है। इस केस में, हाँ, इस केस में वेलोसिटी किसकी गिवन होगी, मैन की विद रिस्पेक्ट टू बोट, राइट। तो फर्क समझ में आ रहा है दोनों में क्या फर्क है। अब क्वेश्चन पूछने वाला बताएगा ना कि मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है या विद रिस्पेक्ट टू बोट है। समझ में आ रहा है यहां तक, पीछे क्लियर है। दूसरा केस करें, तो वी एम बी का मतलब क्या है, मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोट, और हमारा वेक्टर क्या बोलता है, वी एम बी वेक्टर क्या होगा, वी एम वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, याद है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं वी एम बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या कहते हैं, अंडर रूट ऑफ वी एम स्क्वायर वी बी स्क्वायर माइनस टू वी एम वी बी। अब कॉस ऑफ 180 क्यों, क्योंकि मैन कहां जा रहा है, इधर, बोट कहां जा रही है, इधर, दोनों में एंगल कितना है, 180। कॉस 180 क्या होता है, माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी से ये वैल्यू आ गई, ये कैंसर, तो ये टर्म आ गई। तो वी एम बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वी एम प्लस वी बी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो यहां से वी एम क्या आएगा, वी एम बी माइनस वी बी। क्लियर है यहां तक? अब मुझे पता है ये इक्वेशन तब वैलिड है जब विद रिस्पेक्ट टू सब कुछ क्या गिवन है, ग्राउंड। एक बात बताओ, वी एम की जगह मैं ये पुट कर दूं यहां पे, ये पूरे का पूरा, ये लो, ये मैंने पुट कर दिया, चेक करो, ये देखो, ये इक्वेशन तो ट्रू थी ना, तो मैंने वी एम को पुट किया इन टर्म्स ऑफ वी एम बी, ये पूरे का पूरा यहां पुट कर दिया, ये बन गई इक्वेशन। एम वन को मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बन गई, ये वाली टर्म राइट पे गई तो ये इक्वेशन बन गई। क्लियर है, सही है? तो अब आप एक काम करो, इसको कैसे, ये प्रूफ नहीं करना जो मैंने सिखाया, कोई प्रूफ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला करना, ये फॉर्मूले को मार्क करो और यहां डायग्राम बना लो फिर से, कि अगर ये मैन है m1 मूविंग विद vmb, m2 मूविंग विद vb, डायग्राम बनाओ फिर से यहां पे, मतलब उस बॉक्स के सामने वो डायग्राम, इस बॉक्स के सामने ये डायग्राम, ताकि आपने थ्योरी कोई नहीं पढ़नी, सिर्फ डायग्राम के साथ इक्वेशन याद करनी है कि किस डायग्राम में क्या इक्वेशन लगेगी, बस, सही है? थ्योरी सिर्फ आपके लिए है कि एक्सप्लेनेशन की, हाँ कैसे आया, पर आपको करनी नहीं है, आपसे पूछेगा नहीं कोई भी, तो आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखेंगे। क्लियर है? तो अगर क्वेश्चन में ये इक्वेशन गिवन है, करें आगे, तो देखो क्या करना है, तो आपको ऐसे करना है कि मैन ने, जब मैन आगे किया तो मैन ने कितना मोमेंटम जनरेट किया, इतना मोमेंटम जनरेट किया, क्लियर है, इतना मोमेंटम जनरेट किया, और टू कंजर्व द मोमेंटम बोट को कहां ना पड़ा, पीछे। और दूसरी बात, जब मैन चला ही नहीं था तो दोनों बोट और मैन का नेट मोमेंटम क्या था, जीरो। अगर मैन चलता है विद वी एम बी तो इतना मोमेंटम जनरेट करता है, अब टू कंजर्व द मोमेंटम बोट को पीछे आना पड़ेगा, बोट जब पीछे आएगी विद अ वेलोसिटी ऑफ वी बी, तो साथ में किसको पीछे लेके आएगी,
मैन को भी पीछे लेके आएगी, बोट तो पीछे आएगी साथ में मैन भी पीछे आएगा, तो नेट मोमेंटम बोट और मैन का इसके इक्वल है। इसको इस तरफ ले जाओ, आंसर ये रहा, चेक करो सेम है। ये ना याद करने का तरीका है। इन शॉर्ट बस मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर तो आपको मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है, फिर तो यह चक्कर ही कोई नहीं, m1 v1 m2 v2 खत्म। लेकिन अगर आपको वेलोसिटी मैन की विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड गिवन है, तो फिर m1 into v mb इज इक्वल टू m1 plus m2 into v b। बस ये फॉर्मूला याद कर लेना, अगर v mb गिवन है तो ये फॉर्मूला, अगर सिर्फ vm गिवन है तो ऊपर वाला फॉर्मूला। बस बीच में क्या हुआ छोड़ो, चाहिए ही नहीं अपने को, अपने को पूछेगा ही कोई नहीं। जब दो फॉर्मूलाज क्लियर हैं, अब क्वेश्चन में जब आएगा तो आपको यही देखना है कि मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है, अगर मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है फिर तो ये फॉर्मूला, और अगर वेलोसिटी मैन की विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड गिवन है तो ये फॉर्मूला। बस क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ये इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, PI, P फॉर इनिशियल, P फॉर फाइनल। मोमेंटम कंजर्वेशन ये बोलता है ना कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये राइट। सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद करना है, पहला फॉर्मूला ये कि अगर ये बोट है, मास m2 है, ये मैन है, मास m1 है, m1 मूव करता है विद वेलोसिटी ऑफ vm, m2 मूव करता है vb, तो m1 v1 m2 v2 डन। दूसरा ये बताया कि अगर मैन का मास है m1 और वो मूव करता है मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट, तो m2 पीछे मूव करेगा विद अ वेलोसिटी ऑफ, तो फिर m1 इंटू वी एम बी इज m1 प्लस m2 इंटू vb। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला चेंज हो गया, तो डिटेल मैंने बताया पर करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला याद करना बस, ग्राउंड है। दो फॉर्मूलाज क्लियर हैं, बस ये आपका मोमेंटम का कंजर्वेशन है, इसके बेस पे शीट नंबर 36 में ये कौन सी शीट है, 37। ओके, ये जो हमने अभी सारा एग्जांपल्स किए ना, अब लगा के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये लगा के बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, ट्राई करो। शेल 30 kg फ्लाइंग, 48 एक्सप्लोड्स, बॉम्ब फट गया, चेक करो बॉम्ब फटेगा तो क्या होगा। एक्सप्लोजन होने से पहले मोमेंटम, एक्सप्लोजन होने के बाद मोमेंटम विल रिमेन सेम, लगा के देखो।
आंसर आया? अच्छा आया आंसर, देखो कैसे। इसमें शेल जिसका मास कितना है 30 kg, ये लो, ये कितना है 30 kg, कितनी स्पीड से चल रहा है 48 meters per second। एक्सप्लोड्स वन पार्ट 18 kg स्टॉप्स, तो बचा कितना मास 12। तो 12 kg का जो मास है वो कह रहा है कि कहाँ गया, वेलोसिटी निकाल दो। तो एक बात बताओ, ये जब 18 kg है, 18 kg की वेलोसिटी फाइनल क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो बचा कितना 12 kg, 12 kg की वेलोसिटी कितनी हो गई v। अब इनकी एक्सप्लोजन से पहले मोमेंटम क्या था 30 × 48, एक्सप्लोजन के बाद इसका क्या ज़ीरो, और इसका कितना 12 इंटू कितना, तो v कितना आ रहा है 120 आ रहा है, आंसर आ रहा है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो एक्सप्लोजन से पहले एक्सप्लोजन के बाद टोटल मोमेंटम सेम, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करें। इस क्वेश्चन को करने से पहले ना, जो मोमेंटम कंजर्वेशन की लिस्ट थी ना, बोट वाली प्रॉब्लम है ना, उसमें कोलिजन के दो एग्जांपल किए थे मैंने, उसके अंदर एक और आइसोलेटेड सिस्टम ऐड ही कर लो। ये लो एग्जांपल, एक और ऐड करो, वो ये कि अगर मान लो एक बॉल आ रही है M1, एक बॉल आ रही है M1 और मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ U1, सेकेंड बॉल पड़ी हुई है M2 और किस पे पड़ी हुई है, एट रेस्ट, रेस्ट, राइट, क्लियर है यहाँ तक? ये दोनों की टक्कर होती है और दे स्टिक टुगेदर, यार ये पता नहीं कौन सी चिपचिपी बॉल्स हैं, चिपक ही गई और सेपरेट ही नहीं हुई, और दोनों की दोनों इकट्ठी हो गई एंड दे मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी वी। टक्कर के बाद ये हो जाता है, दोनों बॉल चिपक जाती हैं और इकट्ठी चलती हैं विद द वेलोसिटी ऑफ वी। तो है तो ये भी कोलिजन ना, हुई तो टक्कर है ना, तो मैंने तो जाके फोर्स नहीं लगाई ना, इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो इनकी टक्कर से पहले नेट मोमेंटम क्या था, M1 U1 प्लस जीरो, और टक्कर के बाद मोमेंटम कितना है, M1 प्लस M2 इनटू वेलोसिटी v। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द कॉमन वेलोसिटी जिसे दोनों इकट्ठे मूव करेंगे, तो कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। ये भी कोलिजन का ही पार्ट है वैसे, तो ये भी रह गया था, तो ये भी ऐड कर लो। तो आज के बाद अगर दो बॉल्स हैं डिस्ट्रिक्ट टुगेदर और वे इकट्ठी मूव करती हैं, तो इनकी स्टिक करने से पहले मोमेंटम, स्टिक करने के बाद मोमेंटम विल रिमेन सेम, ये याद रखना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? जो आपका न्यूट्रॉन वाला क्वेश्चन है ना, ये सेम है, बस बॉल की जगह न्यूट्रॉन है, अब करो सॉल्व, सेम केस है, लगाओ ये फॉर्मूला जो मैंने करवाया अभी, बॉल्स की जगह न्यूट्रॉन कर लो। तो इसमें नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, न्यूट्रॉन हैविंग अ मास ऑफ, चलो ये न्यूट्रॉन लेते हैं M1, ये क्या है M1, ठीक है, एंड मूविंग एट 10^8 कोलाइड विद ड्यूट्रॉन, ये क्या है ड्यूट्रॉन लाइंग एट रेस्ट, दे स्टिक टुगेदर और इसका मास कितना है M2, और M2 आपको क्वेश्चन में गिवन है, M2 गिवन है और M1 भी गिवन है, क्लियर है, M1 गिवन है M2 गिवन है, तो न्यूट्रॉन का मास M1 है, ड्यूट्रॉन का M2 है, तो ये 10^8 मीटर पर सेकेंड से आता है और ड्यूट्रॉन को टक्कर मारते हैं एंड स्टिक टुगेदर, स्टिक का मतलब दोनों का मास क्या हो गया M1 प्लस M2, और आपको स्पीड ऑफ कॉम्बिनेशन निकालना है, स्पीड ऑफ कॉम्बिनेशन कितनी है v, अरे वही तो क्वेश्चन भी कर रहे थे, यही किया था ना,
टक्कर से पहले न्यूट्रॉन का मोमेंटम बोलो m1 वन इंटू टेन की पावर 8, ड्यूट्रॉन का मोमेंटम क्या है 0, और आफ्टर कोलिजन दोनों का मास इंटू कॉमन वेलोसिटी, तो कॉमन वेलोसिटी क्या आएगी m1 वन इंटू टेन की पावर 8 डिवाइडेड बाय m1 वन प्लस एम टू, एम वन पता है m2 पता है आंसर, तो समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो मतलब देखो ना, अगर मैंने आइसोलेटेड सिस्टम ना बताया होता, ये क्वेश्चन ना बताई होती, आप ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने वो लिस्ट तैयार कर ली, अब हमें पता है कि कैसे अप्लाई करना है, थ्योरी पता लगी, अब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस है। कोई डाउट इसमें? आसान है, सही है। नेक्स्ट, कार जिसका मास कितना है 1000 kg, ट्रेवलिंग एट 32 मीटर्स पर सेकेंड, डैशेज इनटू द रियर ऑफ ट्रक, एक ट्रक खड़ा हुआ है 8000 kg, मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर, तो कार जो है ट्रक को टक्कर मारती है, आफ्टर कोलिजन कार बाउंसेज विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, तो कार जो है बाउंसेज का मतलब क्या है, पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ 8 मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही हुआ, कार जो है पीछे की तरफ 8 मीटर पर सेकेंड, और आपको यह बताना है कि ट्रक की वेलोसिटी क्या रही होगी, ट्रक तो बाउंस नहीं होगा यार, ट्रक तो आगे जाएगा, तो लगाओ मोमेंटम कंजर्वेशन। एक चीज़ याद रखना, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हम इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो इधर की डायरेक्शन नेगेटिव है, तो जैसे जैसे अगर मैं इधर का मोमेंटम कैलकुलेट करता हूँ m इंटू वी पॉजिटिव, m इंटू वी पॉजिटिव, लेकिन जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा m इंटू वी, साइन नेगेटिव लगेगा क्योंकि डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट है। अब करो सॉल्व, आंसर आ रहा है इसका, माइनस साइन के साथ आ रहा है ना, देखो इसमें क्या होगा 1000 × 32, इनिशियल मोमेंटम कार का और इनिशियल मोमेंटम ट्रक का कितना है 8000 × 4, टोटल मोमेंटम आ गया टक्कर से पहले, टक्कर के बाद क्या हुआ, ये बाउंस बैक कर गया, तो इसका मोमेंटम क्या होगा माइनस 1000 × 8, और इसका 8000 × 8, ये साइन नेगेटिव के साथ आएगा क्योंकि ये डायरेक्शन ऑपोजिट है। क्लियर है यहाँ तक? सॉल्व करना, V2 निकालना, इसमें से आ रहा आंसर, इक्वेशन कैसे लगानी है समझ में आ रहा है यहाँ तक? फिर से, इधर के मोमेंटम पॉजिटिव तो जो भी मोमेंटम इधर का होगा नेगेटिव, टक्कर से पहले राइट मोमेंटम, राइट मोमेंटम दोनों ऐड पॉजिटिव पॉजिटिव, टक्कर के बाद बाउंस बैक मोमेंटम नेगेटिव, राइट की तरफ मोमेंटम पॉजिटिव, नेट मोमेंटम सेम। वैसे पूरा काम कोलिजन चैप्टर का है, एक बात बताऊं 60% कोलिजन खत्म हो गया इसमें, एक चैप्टर का 60% पोर्शन आपको आ गया, कोलिजन में करना ही है, बॉल ने वो टक्कर मारी, कार ने टक्कर मारी, ट्रेन ने टक्कर मार दी, वेलोसिटीज निकाल दो, सेम चीज़ है इसमें, मतलब आपकी आधी टेंशन एक चैप्टर की बिल्कुल खत्म हो चुकी है,
क्योंकि जो काम मैंने वहाँ करवाना था वो काम मैंने यहीं करवा दिया, बात ही खत्म हो गई। तो समझो एक चैप्टर तो निकल ही गया, और क्या चाहिए बताओ। ठीक है, यहाँ तक जो एफर्ट लगता है ना वो लेवल इंक्रीज करने में लगता है। एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट में एफर्ट नहीं लगता, बेसिक आसान है। जो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है ना जो कॉम्पिटिशन में आते हैं, वहाँ जाने में ना थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए उसमें, है ना। मतलब गली क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में फ़र्क तो होता ही होगा, कुछ तो होता ही है। बॉलर एंटी वाले जो बॉल फेंकते हैं कुछ तो बना के फेंकते हैं, है कि नहीं। तो वहाँ वही प्लेयर चलेंगे जो खूब प्रैक्टिस करके उतरे हुए हैं, उनको पता है कि कैसे करना है। ठीक है, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, लेवल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, पहला राउंड होता है बेसिक कॉन्सेप्ट ही करने का, फिर नेक्स्ट होता है लेवल्स को इंक्रीज़ करने का। जब बेस नहीं सही बैठेगा तो लेवल भी इंक्रीज़ नहीं होगा ना। ये लो, चलो इसको नेक्स्ट टाइम ही करते हैं, है ना, नेक्स्ट टाइम करते हैं, इसे सफिशिएंट है। जरा शीट से ना ऑब्जेक्टिव जो होमवर्क मिली है बाहर से प्रिंट आउट लेना, जो आज मिली है, मैं कुछ होमवर्क देता हूँ। शीट नंबर 12 और 13, चाहो तो 14 भी कर लेना, 12, 13 तो होमवर्क करके आना है। 12 और 13 एक बार ट्राई करना, नेक्स्ट टाइम डिस्कशन होगी डाउट्स। कुछ प्रॉब्लम मुश्किल भी हो सकती हैं, कोई बात नहीं, क्लास में हो जाएंगे, जो हो सकते हैं वो कर लो ट्राई। मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा एक बार, वो +2 गलती से लिखा गया, +1 ही है, वो +1 ही है। 2 मिनट वेट करना प्लीज़, वेट करना, नहीं टेस्ट नहीं है, लाना अरे देना, बट कोई टेस्ट नहीं है, चिंता क्यों कर रहे हो यार, टेस्ट नहीं है। अमितोज दूसरे बैच में, अनन्या शर्मा, ऑब्जेक्टिव में थोड़ी सी कम है ना, मोशन में नंबर कम आए हैं, ऑब्जेक्टिव वेक्टर में ठीक हैं, और प्रोजेक्टाइल थोड़ा NCERT में भी कम है, चलो इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, ये रख लो, ये रख लो, पकड़ना, पकड़ो ये यार, अरे पकड़ लो यार इसे। अर्शिया वेक्टर के सब्जेक्टिव में अर्शिया कम है, 2 अर्शिया। आर्यन वशिष्ठ, आर्यन वशिष्ठ तुम्हारा है, प्रोजेक्टाइल में कम नंबर है दोस्त, प्रोजेक्टाइल में सब्जेक्टिव में कम नंबर है, ऑब्जेक्टिव तो चलो दे ही नहीं, ज़्यादा ज़्यादा पढ़ के आना है तब आएंगे नंबर। आरवीर एक टेस्ट मिस है मोशन का। अस्मिता जाओ जाओ। भव्या गुप्ता, चैतन्या, चारुक्षी, चारुक्षी, देवांश अग्रवाल, देवांश प्रोजेक्टाइल में कम है, वेक्टर में भी कम है, सब्जेक्टिव NCERT कम है, और ऑब्जेक्टिव दे नहीं रहे, ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, NA नॉट एम टेक क्यों नहीं दे रहे, मास उतार के बोल सकते हो तो क्यों नहीं दे रहे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्यों नहीं दे रहे, वैसे सारी रह गए, दो ऐसे अब पूछ लिया ठीक है, नहीं पूछा तो बस चल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चेक कौन कर रहा है, कोई भी नहीं चेक कर रहा, हाँ तो कंटिन्यू करने का जब टेस्ट आता है इसका मतलब सबमिट नहीं हुआ, कंटिन्यू दबाना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, तब वो सबमिट होगा, नहीं तो यहाँ पे एक बार दिखाना है ना आईडी के साथ, अटेम्प्ट कराएंगे, यहीं पर करवा देंगे। ये को हर्षिता, हर्षिता आपने प्रोजेक्टाइल का टेस्ट नहीं दिया, और वेक्टर में कम नंबर है थोड़े से,
थोड़ा इम्प्रूवमेंट। और जसराज वेक्टर का टेस्ट नहीं दिया, सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं दिया। कायना चली गई, चली गई। कृतज्ञ, कृतज्ञ प्रोजेक्टाइल में कम नंबर हैं, वेक्टर में भी कम नंबर है, सब्जेक्टिव इम्प्रूवमेंट चाहिए भाई, ऐसे ही काम चलना। ऑब्जेक्टिव देखना, ऑब्जेक्टिव दिए उसने, ऑब्जेक्टिव सीखो। लगन दिए, टेस्ट दिए, दो नहीं दिए, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं दिए, क्यों रह गए थे, क्वेश्चन ये है। लगन ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं दिया, थोड़े एनसीईआरटी में नंबर कम है यार। माधव बंसल टेस्ट नहीं दिए, टेस्ट सब्जेक्टिव देने शुरू करो माधव। नायरा पकड़ना, अलीशा, अलीशा, आकाश गर्ग, आकाश गर्ग, आदित्य पीछे देना, नायरा पकड़ो, निशल्य फिर दे दो पीछे, ओमिका, परी, प्रथम ज्योत, हाँ पूरा रिपोर्ट कार्ड साइड पे भी है। प्रीतम, प्रीतम टेस्ट नहीं दिए, सब्जेक्टिव तुमने दो, ना प्रोजेक्टाइल का ना वेक्टर का, क्यों एब्सेंट हो तो यार टेस्ट तो देना ही है कि नेक्स्ट डे आके दो, खाली कॉलम थोड़ा ना चलेगा, टेस्ट कंप्लीट करो अपने। प्रियांशु, प्रियांशु, रघुवंश, राजदेव, रूबल, साहिब ज्योत, साहिब ज्योत ले लो, एनसीईआरटी में यार चार नंबर आए हैं, कम है इसमें। समरवीर, संचित, संचित अगर ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे रहे तुम, सब्जेक्टिव भी नहीं दिए यार, ये पकड़ो यार इसको जरा करो, हाँ मार्क करो, ऐसे मार्क करो, कॉल करो। सरगम, सीरत, उदित, उदित, उदित ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं दिया, वेक्टर। वानिशा, वंश चौधरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं दे रहे, तो दो उसे कंप्लीट भी करो। विमांशु एक टेस्ट में नंबर कम है, वेक्टर में नंबर कम है, एक नंबर है। विनायक, ओ वेक्टर का प्रोजेक्टर का टेस्ट भी मिस है, ऑब्जेक्टिव भी एन एन ए है दो, क्या है ये, चार टेस्ट नहीं दिए, नंबर कहाँ से आएंगे। यश वर्मा, दीपांशी, किसको नहीं मिला, नहीं मिला, जाते हुए ले लो, जाते हुए ले लो।